हाँ हेलो रोवन कैसे हैं आप सब लोग क्या हाल चाल जबरदस्त जिंदाबाद जिंदगी ठीक ठाक बताओ भाई जय नवनीत कौर क्या हाल चाल मानवी जी कैसी हैं अदिति पुलकित भाई साहब बताइए क्या हाल चाल गुरजीत श्रेया सिंह कार्तिक कुमार जो पढ़ाया गया था क्या आपने वो कर लिया है उतना हिस्सा निपटा दिया है कि कोई समस्या दर्द परेशानी हो तो निश्चित रूप से बताइएगा सर चैट ऑन रखिए आज अबे भाई चैट ऑन ही है हरमन सिंह तभी तो दिख रहे हो तुम मुझे यहाँ पे हेलो 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 कैसे हो अभिषेक मानस तेजपाल हेलो हेलो चलिए जी बातचीत करें कल हमने क्या पढ़ा था कल हमने पढ़ा था वी के बारे में मुझे लगता है जो मैंने ब्रह्मास्त्र बताया था कि डी जीरो डी वन डी टू और डी थ्री के लिए हमेशा डी टू एस पी थ्री मतलब कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन डी सेवन डी एट डी नाइन और डी टेन के लिए हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब कि एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन होगा बट डी फोर डी फाइव डी सिक्स का जब भी पता करना हो अकॉर्डिंग टू वी बी टी तो उससे पूछो कि मेरे भाई इसका थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट बताओ या इसको ये बता दो कि पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है बात समझ में आ रही है जी जनाब। अब आपको पहले एक सवाल देता हूं जी? एक सवाल देता हूं देखता हूं आप कर पाते हो कि नहीं फिर हम आगे बढ़ेंगे मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि एक मान लीजिए मेरे पास कॉम्प्लेक्स है एम एन एच टू सिक्स टू प्लस मुझे ये जानना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बताइए जवाब दीजिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा कैलकुलेट नहीं करना जस्ट ऐसे बता दो कि चलो कैलकुलेट करके भी बता सकते हो जैसा आप चाहो है ना फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अंडर रूट एन एन प्लस टू है ना जी और मैग्नेटिक मोमेंट किस यूनिट में लिखा जाता है बोर मैग्नेटॉन की यूनिट में लिखा जाता है अर्पित आनंद जी बताइए उत्सव तिवारी विपिन जी सचिन क्या हाल चाल सबका दिख रहा है भाई सबके चैट इधर नजर आ रहे हैं हमें ठीक है सबका नाम लेना मुश्किल है भाई जय ज्वाला प्रशांत जी क्या हाल चाल आइए बताइए मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकाला जाए कैसे निकाला जाए क्या तरीका है इसका कुछ पता है क्या बोलो भैया क्या आपको इनकी कहानियां आपको पता है क्या तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो बड़ा आसान कार्यक्रम है यहां पे बस मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मान लिया मैंने एम का एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सिक्स मल्टीप्लाइड जीरो क्योंकि वाटर पर तो कोई चार्ज होता नहीं है इज इक्वल टू क्या लिखा जाए प्लस टू मीन्स दैट क्या होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस टू मतलब ये है साफ कि हमारे पास है एम एन टू प्लस हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है वो मेरे भैया है कौन एम एन टू प्लस अब एम एन टू प्लस का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा ए आर थ्री डी फाइव क्योंकि तो हट जाएगा अच्छा जी आगे बताइए थ्री डी फाइव को जब आप चेक करोगे कि यार यहां पर हमें क्या चेक करना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये एन क्या है एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चलिए भैया D5 सिस्टम अगर हम बनाए एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव ये पांच इलेक्ट्रॉन हमने कुछ इस तरीके से यहां पे भर दिए आप बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अरे सर दिख रहा है पांच इलेक्ट्रॉन है तो ये फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैं यहां पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि पांच से ज्यादा अनपेयड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास होता क्या है डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं पांच और पांचों में एक एक रख दोगे तो सारे अनपेयड हो सकते हैं तो पांच से ज्यादा अनपेयड इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते तो यहां पे हमें पता चला अच्छा एम की वैल्यू कितनी है भैया एम के लिए फाइव इसका मतलब है कि हमें इस फॉर्मूले में रखना है अंडर रूट फाइव फाइव प्लस टू बोर मैग्नेटॉन तो यहां से क्या आ जाएगा अंडर रूट थर्टी फाइव बोर मैग्नेटॉन ध्यान रखना भाई है ना थोड़ा सा ये कुछ अलग भाषा में लिख दिया ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा फाइव पॉइंट नाइन बोर मैग्नेटॉन ठीक है जी देखो फाइव है तो आपका जो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू आती है वो भी फाइव पॉइंट समथिंग में आ रही होती तो अगर मैं ये कह दूं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है तो आप डायरेक्टली देख के कह सकते हो तो अच्छा यहाँ पे जो फाइव लिखा है ये बता रहा है कि वहां पे उतनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं सर मैंने इंस्टाग्राम पर आपको एक क्वेश्चन भेजा है प्लीज एक बार देख लो यार इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन कैसे चले ठीक है देख लूंगा क्या नाम है आपका राहुल भारद्वाज जी देख लूंगा भैया आगे ये देखो बताओ ये जवाब समझ में आया क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई ठीक है जी चलिए एक सवाल और दे देता हूं अगर मैं ये कह दूं कि भैया अब आपको पता करना है क्रोमियम एच टू सिक्स बताइए म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है तो बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू मु की वैल्यू क्या आएगी बताइए कोशिश तो करिए बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है चलिए बताइए क्या करेंगे अरे सर यहां पे देखो ना क्रोमियम थ्री प्लस आ रहा है और अगर क्रोमियम प्लस थ्री आ रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा थ्री डी थ्री क्या आएगा थ्री डी थ्री सर कैसे लिखा आपने ये बात समझ नहीं आई क्रोमियम का लिखो पहले न्यूट्रल वाले का लिखो क्या लिखोगे फोर एस वन लिखोगे क्योंकि क्रोमियम है मेरा भैया ये क्या लिखोगे फोर एस वन थ्री डी फाइव है ना जी क्योंकि डी में पांच इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो क्या रहेगा स्टेबल अब हमें तीन इलेक्ट्रॉन हटाने थ्री प्लस का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन तो एक यहां से हटाओ दो यहां से हटा दोगे तो ये हो जाएगा थ्री डी थ्री तो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भैया यहां याद रखना अंडर रूट थ्री थ्री प्लस टू हो जाएगा तो क्या हो गया अंडर रूट फिफ्टीन अंडर रूट फिफ्टीन बोर मैग्नेटॉन इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड वेरी वेरी गुड बहुत सही जवाब दे रखा है अरे ध्रुव कोहली जी इसका 5.9 तो आ ही नहीं सकता ना इस वाले का क्योंकि तीन है तो भैया यही आएगा अंडर रूट फिफ्टीन और निश्चित रूप से इसकी जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो कुछ थ्री पॉइंट सम वन आएगी थ्री पॉइंट सम वन आएगी है ना जी सर इतना तो आता ही है अच्छा ये बात है अब हम बढ़ जाए आगे चलिए जी कहाँ गया आ जाइए यहीं पे रहने देते ठीक है ये भी आपको मिल जाएगा आप एक बार देख लीजिएगा आज हम पढ़ने वाले हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद थियरी नाम क्रिस्टल फील्ड अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको मैक्सिमम पार्ट चैप्टर का तो समझ आ चुका है यही भैया ज्ञान अच्छे तरीके से आपको देने वाले हैं आई ये करें बातचीत नाम है इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है नाम क्रिस्टल फील्ड थियोरी ये थ्योरी ये कहती है कि देखो भैया जो तुमने वीबीटी पढ़ा ना वीबीटी में तुम ये कहते हो कि भैया मेटल का ऑर्बिटल मेटल का डी ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है उधर कोवलेंट बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी आ रही है क्या बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता किसके बीच में मेटल और लिगेंड के बीच में कहां पढ़ा था वीबीटी के अंदर पढ़ा था लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहता है कि आपका जो मेटल है आपका जो मेटल है उस पर है मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज तो भैया वो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के साथ कैसा इंटरेक्शन करता? करता है आयनिक इंटरेक्शन करता है VBT क्या कहती है ओवरलैप करता है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है लेकिन CFt कहता है कि आपके मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरक्शन है वो आयनिक इंटरक्शन है और हमारा ये क्रिस्टल फील्ड थियरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल का मतलब समझ रहे होंगे एक प्लस है तो एक माइनस हो तो उनके बीच में क्या चल रहा है इंटरैक्शन जो चल रहा है उससे रिलेटेड बात करेंगे डाउट आ रहा है बताइए क्या भाई कोई बात नहीं आगे देखो जो आएगा तो बोल देना मैं बता दूंगा आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक मॉडल विच कंसिडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि आपके मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है जो बॉन्डिंग है वो भैया आयनिक बॉन्डिंग है अब आगे आ जाते हैं इन्होंने बोला कि जो हमारे लिगेंड्स हैं ध्यान से सुनना जो हमारे लिगेंड्स हैं वो दो तरीके के हमारे पास आते हैं। या तो ध्यान दीजिएगा या तो वो एनायनिक होते हैं या तो वो एनाइनिक होते हैं या तो वो क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं हमारे पास कौन कौन से लिगेंड्स आते हैं दो तरीके के लिगेंड्स आते हैं वैसे कैटानिक लिगेंड्स भी हैं, बट आपके केस में आपके कोर्स में ज्यादा नहीं पढ़ना सिंपल बस ये जानना है कि Ligands क्या है हमारे पास दो तरीके के जैसे जैसे बता देता हूं एनाइंस में क्या देखोगे सी एल नेगेटिव ओ एच नेगेटिव एफ नेगेटिव ऐसे बहुत सारे तो ये क्या है एनाइनिकिगेंट्स है तो ये थियोरी ये कहता है कि भैया जो हमारे एनाइनिक लिगेंट है ना उनको तुम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर लो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है जैसे मान लीजिए सी एल नेगेटिव तो वो कह रहा है कि एक पॉइंट एक पॉइंट की तरह है वो और उस पर नेगेटिव चार्ज है बस यही है कह रहा है वो पॉइंट चार्ज ठीक है जी एक पॉइंट पर क्या मान लिया जाए कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है छोटा सा यह सब रिप्रेजेंटेशन बना दिया जाता है अच्छा जी मैं आगे समझाऊंगा बाकी बात को। अब क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल को कैसे देखोगे तो देखो भैया न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मैं एग्जाम्पल ले, ले, ले लेता हूं मान लीजिए वॉटर क्या लेता हूं वॉटर अब सवाल यह कि यार ये वाला वॉटर कैसे इंट्रैक्ट करेगा भाई ये मेटल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा तो आप इनको देखोगे कि इनके अंदर क्या होगा डाइपोल्स होंगे क्या होंगे डाइपोल्स होंगे सर कहां डाइपोल्स हैं देखो भैया ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन वो क्या करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जब खींचेगा तो इधर होगा डेल नेगेटिव और इधर होगा डेल पॉजिटिव सेम कहानी यहां पर भी होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर सर ये डेल क्या है समझ नहीं आया डेल क्या ये बात कहानी आपकी समझ नहीं है डेल का मतलब होता है छोटा मोटा चार्ज ठीक है उसकी क्वांटिटी डिफाइन करने की जब जरूरत ना हो तो हम सिंपल यही बोलते हैं यहां हमें पता ना हो तो हम लिख देते हैं प्लस डेल मतलब छोटा सा पॉजिटिव चार्ज छोटा सा नेगेटिव चार्ज तो यहां पर जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो डाई की तरह ट्रीट किए जाएंगे एक उसमें नेगेटिव छोड़ होगा तो दूसरा वाला पॉजिटिव हिस्सा उसका होगा अब मन में सवाल होगा आपके कि सर ये इंटरेक्ट कैसे करेंगे आप तो ऊपर कह रहे थे कि भैया ये क्या इलेक्ट्रोस्टेटिक मॉडल है यहां मेटल और लिगन जो है आयनिक इंटरेक्शन करते थोड़ा करके दिखाओ देखो भैया अगर वो एनाइनिक हुए तो भैया अगर मान लो मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सामने कोई भी मान लीजिए नेगेटिव लेकर के और हमने क्या बोला सीएल क्या है ये ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा एक चार्ज है जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है ठीक है तो वो पॉजिटिव इसके साथ क्या करेगा कौन सा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो इसी तरीके से और लिगेंट्स भी इस मेटल के साथ इंट्रैक्ट होंगे तो मेरे भैया मेटल और लिगेंट के बीच का जो इस समय आपको बॉन्ड दिख रहा है वो आयनिक बॉन्ड है बोलो भाई बात ठीक है क्या सर एक डाउट है कि रेगुलर क्लास से नोट्स बनाएंगे या नहीं बनाने की नोट्स जरूरत नहीं है इतना टाइम भी नहीं है और बनाओ मत मेरी समझ से बनाओ मत अगर बना सकते हो तो जरूर बना लो मेरी समझ से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नोट बहुत प्यारा है उसको खाली मार्क करके मतलब उसको प्रिंट निकालो अगर लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है स्वागत है नहीं लिख पाते हो तो उसको प्रिंट निकालो इसके बाद मार्क करते हुए अच्छे तरीके से उसको पढ़ते जाओ ठीक है जी आगे बढ़ जाते हैं हम आप इतनी कहानी समझ में आ गई क्या क्रिस्टल फील्ड थियोरी की ये कहानी समझ में आई सर इसको तो आपने छोड़ दिया नहीं भाई साहब लीजिए कोई मेटालोजी पर पॉजिटिव चार्ज है अब ये देखो किससे इंट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव वाला पार्ट क्या इस पॉजिटिव से इंट्रैक्ट कर नहीं ना मेरे भाई इंटरैक्शन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला दिखाना है तो निश्चित तो रूप से प्लस इस माइनस वाले हिस्से से क्या करेगा इंटरक्ट होगा तो यहां पर जो इंटरक्शन है वो भी एक आयनिक इंटरक्शन है और ऐसा ही क्रिस्टल फील्ड थियरी मानता है क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई यस सर अब आगे आइए आपको कुछ और चीज समझाता हूं सिंह साहब अभी थोड़ी देर में पूरी चीजें एक बार और बताई जाएंगी आपको डोंट so वरी पहले मैं आपको डी ऑर्बिटल की थोड़ी सकल सूरत दिखाता हूं क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है आगे है ना भैया क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी सकल सूरत देख लो आगे जो भी एक्सप्लेनेशन बेस्ड होंगे वो इनकी सकल सूरत पर बेस्ड होंगे शायद आपको आता हो कि ये कौन है बताइए इनकी सकल सूरत देखिए और बताइए चलिए सारे लोग स्ट्रक्चर देख करके ये बताइए कि अगर यहाँ पर आपके डंबल एक्स और वाई प्लेन पर हैं और इन बिटवीन द प्लेन आपके ये डंबल्स आ रहे हैं ये लोब्स ऑफ डी ब्लॉक आ रहे हैं सॉरी डी ऑर्बिटल आ रहे हैं तो, और तो बताइए इनका क्या नाम होगा आई होप बच्चों को बच्चों को ये बात पता होगी याद होगी कि भैया ये तो डी एक्स वाई है क्या है ये डी एक्स वाई है. डी एक्स वाई में क्या देखते हैं एक्स और वाई है और अगर आपका लोब इन बिटवीन द एक्सिस है तो उसको लिखा जाता है डी एक्स वाई इसको देख करके आपको जवाब पता चलेगा कि अरे यहां पे तो एक्स जेड है तो यहां पर लिख दो भैया एक्स जेड डी एक्स जेड जहां पर आपके लोब्स कहां मिल रहे हैं बीच में मिल रहे हैं नेक्स्ट बताइए ये भी बड़ा आसान है आप कहोगे कि सर यहाँ भी आपको क्या करना है वाई जेड लिख देना है दैट्स इट तो ये चार सॉरी तीन डी ऑर्बिटल्स इस तरीके के होते हैं और इन तीनों की सकल सूरत एक जैसी होती है थोड़ा देख लो ये सबके सब क्या देख रहे हैं आप क्या देख पा रहे हैं इसमें कि सब, सब एक्सिस के बीच में अपने डंबल्स रख रहे हैं भैया अपना स्ट्रक्चर बनाने में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे तो ये तीनों को मैं एक परिवार का हिस्सा मान लेता हूं क्या इन तीनों को एक परिवार का हिस्सा मान लेता हूं और उस परिवार को इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूं ये भैया एक परिवार के हिस्सा है तीन के तीनों लोग कौन कौन से डी एक्स वाई डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड इनके परिवार का नाम मैं रख रहा हूं ये तीन लोग हैं तो मान लीजिए हम इसका नाम टी से रख दे रहे हैं भाई क्या रखेंगे इसका नाम रख रहे हैं हम अभी फिलहाल टी टू क्या नाम रख रहे हैं टी टू है ना कई बच्चे सोच रहे टी टू मामा है सर ये तो तो ये कौन है भैया टी टू इनके परिवार का नाम है यहीं से ये बात समझते चलेंगे टी टू इनके भैया परिवार का नाम है तीन लोगों को मिला दिया तो हमने उनका नाम रख दिया टी टू अब आइए नेक्स्ट पर अंकित जी बताइए इसका क्या नाम होगा इसका क्या नाम होगा यहां वाला सर ऊपर वाले से कुछ अलग तो दिख रहा है यहां पर आपके जो लोब्स हैं वो एक्सिस पर प्रेजेंट देखिए एक्स एक्सिस पर इसके लोब है इसका वाई पर लेकिन यहां पर देखो एक्सिस पर नहीं है इन बिटवीन द एक्सिस है यहां पर देखो बीच में आ रहा है ना लेकिन यहां पर देखो एक्सिस पर आ रहा है और जब एक्सिस पर आता है तो उस वाले डी ऑर्बिटल का नाम होता है डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेरी गुड जयेश ने बहुत सही बताया हुआ है ये उसका नाम होगा चलिए अब इसका नाम बताइए ये भाई साहब का नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनका क्या नाम है इनको बोला जाता है इनको बोला जाता है डी जेड स्क्वायर इनके नाम है हाँ इनको स्विच कर सकते हो एक्स वाई को वाई एक्स लिख लो एक्स जेड को जेड एक्स लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता जेड वाई लिख लो इससे कोई दिक्कत नहीं है ये देखो मेरे भाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहां पर लोब्स कहाँ आ रहे हैं एक्सिस पर यहां पर लोब्स कहाँ आ रहे हैं जेड एक्सिस पर जेड एक्सिस पर आपको ये लोब दिखाई दे रहा है यहां वाला यहां वाला भी और बीच में एक एक्स वाई प्लेन में एक रिंग दिखाई दे रहा है

ठीक है जी इसको ई लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई ये जो ई वाला परिवार है यहां पर लोब्स कहां पर आ रहे हैं एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं लेकिन इस टेटू के परिवार में आप देखोगे एक्सिस के बीच में लोब आ रहे हैं इन तीनों के केस में क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है क्या सुपर डुपर क्लियर है क्या बोलो भाई सुपर डुपर क्लियर है क्या सार्थक जी आपका सवाल थोड़ा जेनविन लग रहा है मुझे मैं आपको थोड़ी देर बाद उसका जवाब देता हूँ फिलहाल उसका जवाब मुझे ही नहीं पता है अरे पढ़ने से रिलेटेड नहीं पूछा है उन्होंने उन्होंने कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा है कि भैया अगर ऐप में प्रिंट का ऑप्शन ही नहीं है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे तो तुम्हें देखता हूँ कि किस तरीके से वो दिया जा सकता है गूगल ड्राइव लिंक बना के या किस तरीके से दिया जा सकता है वो हम देखेंगे ठीक है जी आइए पहले फ़िलहाल यहाँ पे देखते हैं आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए अब हम खेल खेलने चल रहे हैं अगले पर क्या है वो हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है अभी नाम पे थोड़ा घूमिएगा मैं आपको समझाऊंगा मैं एक तरफ से आराम आराम से ठीक है जी चलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमें यह पढ़ना है इन ऑक्टा इन ऑक्टा फील्ड इन ऑक्टा फील्ड ऑफ लिगेंड्स लिगेंड्स द्वारा ऑक्टा फील्ड अगर बनाया गया तो उसमें कैसे स्पिटिंग होगी उन पर हम चर्चा करने वाले हैं अब ना थोड़ी कहानी है दो चार मिनट की दो चार मिनट की कहानी है सुनो आऊंगा सब समझाऊंगा ये तो याद ही हो जाएगा तुम प्रैक्टिस कर जाओगे सवाल सुनना क्या है जैसे मान लो अभी मेटल है मेटल से कोई लिगेंड मिला ही नहीं है मेटल इन्वायरमेंट में अकेला घूम रहा है अकेला घूम रहा आजाद परिंदा है क्या है वो आजाद परिंदा उसको कोई सरदर्द नहीं है उसकी एनर्जी क्या होगी डाउन होगी उसकी एनर्जी क्या होगी डाउन होगी क्योंकि नेचर में उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है उसको खुद को अपनी भावनाएं दिखाने का कोई वक्त नहीं मिल रहा है तो फिलहाल वो मेटल जिसके किनारे कोई लिगेंड नहीं है वो अकेला नंगा पुंगा घूम रहा है इस दुनिया में कोई उसको देख भी नहीं रहा है वो सबसे स्टेबल है सबसे ज्यादा खुश है क्या समझ में अच्छा अब सुनो होता क्या है वो जो नंगा पुंगा आदमी भाग रहा था मतलब कि आपका जो मेटल था जो इन्वायरमेंट में था उसमें अब उसने क्या देखा ओ भाई मेरी तरफ तो सिक्स लिगेंड्स बढ़ रहे हैं कितने बोल रहा हूं क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में छह लिगेंड होते हैं जो कि मेटल से इंट्रैक्ट होने वाले हैं इसका मतलब हम चर्चा करेंगे एम एल सिक्स पर मेटल के किनारे किनारे छह लिगेंड आएंगे ध्यान से सुनना होगा क्या पहले ये तो ये अकेला है अब होता क्या है कि ये जो मेटल है ना उसके किनारे दूर दूर से ऐसे मान लो मैं खड़ा हूं हमें दिख रहा है कि यार एक बहुत दूर से छह लोग मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं तो हमें ये लगेगा क्योंकि अभी सबके बहुत दूरी दूरी है तो हमें लगेगा यार ये लोग सिमेट्रिकली हमें अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि असल जिंदगी में जब आप दो लोग बहुत करीब आते हो तब उसके बारे में अच्छे से जान पाते हो अदरवाइज दूर से फोन पर चैट करने से कुछ पता नहीं चलता मेरे भाई है ना जी रिश्ते का कोई अंदाजा चैट पे नहीं लगता मिल करके साथ रह करके ही अंदाजा लग सकता है तो यहां भाई साहब के साथ भी ऐसा ही होता है सिक्स लिगेंड इनके पास जब आते हैं तो इनको लगता है अरे भाई दुनिया में सब कुछ ठीक है हमें छह छह लोग अप्रोच कर रहे हैं तो चलो भैया ये क्या हुआ यहाँ पे एक सिमेट्रिकल फील्ड क्रिएट हुई बाय द लिगेंड अरे ये फील्ड किसने क्रिएट करी लिगेंड्स ने क्रिएट करी कितने लिगेंड थे अरे छह लिगंड थे अभी मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे हैं टूवर्ड्स मेटल क्या इतने में आनंद आया क्या बोलो भाई क्या इतने में आनंद आया क्या ओके शिवम कौशिक जी ठीक है वेबसाइट वाली बात आपकी ठीक है मैं देख लूंगा फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ो यार नोट्स मिल जाएगा नोट्स की चिंता मत करो वैसे भी तुम्हें ये भी दिया जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं अब देखो होता क्या अभी लोग दूर दूर थे लेकिन इंट्रैक्ट हुए थे ठीक है जी तो इनकी इनकी थोड़ी सी हसरत बढ़ जाएगी भाई साहब एक्टिव हो जाएंगे अब हो गए अगर ये एक्टिव हुए तो साफ मतलब अब स्टेबल नहीं रहे तो इनकी एनर्जी क्या हो गई बढ़ गई ध्यान देना पहले ये बहुत खुश थे ये क्या थे बाबा थे इनका किसी से दुनिया में लेना देना नहीं था तब भैया शांत स्वभाव के थे इनकी एनर्जी डाउन थी ये ज्यादा से ज्यादा स्टेबल थे लेकिन जब देखा अरे छह छह अप्रोच कर रहे हैं तो दुर्वासा ऋषि भी हमारे बेचारे क्या हो गए पिघल गए जब पिघल गए यहां पे तो उनकी एनर्जी क्या हो गई थोड़ी बढ़ जाएगी अब आइए अगली कहानी अगली कहानी और रोचक है कि भैया जब तक छह लोग दूर दूर थे तब तक एनर्जी थोड़ी कम बढ़ी थी अभी क्या हुआ अब इस मेटल को सिक्स लिगेंड बहुत करीब से आकर के क्या करते हैं अप्रोच करते हैं अब मेटल को ये लगता है यार ये जो छह लोग आ रहे हैं इनको मैं किधर जोड़ूंगा कैसे जोड़ूंगा किस तरीके से अपने से अटैच करूंगा तो वो उसके लिए यूज करता है मेटल अपने ही डी ऑर्बिटल क्या 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 अपने ही डी ऑर्बिटल वो यूज करता है वो कहता है भैया हमारे पास डी ऑर्बिटल है और हम पढ़ ही रहे हैं थ्री डी फाइव डी के बारे में तो भैया हमारे पास डी ऑर्बिटल है तुम आओ हम तुमको इन्हीं से जोड़ लिया करेंगे अब देखो होता क्या है ध्यान से सुनना इस को को मेटल अपने पांचों ऑर्बिटल ओपन कर देता कि ठीक है भाई तुम लोग इनसे इंटरेक्ट हो लो किससे जो लिगेंड्स आ रहे हैं लेकिन अब जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर आएंगे क्योंकि उनको क्या बनाना है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्रिएट करना है और ऑक्टाहेड्रल फील्ड कैसे क्रिएट होती है कुछ इस तरीके की सकल सूरत बना के होती है जिसमें आप देखते हो कि यहां पर एक क्या रहेगा स्क्वायर एक लिगेंड ऊपर से एक लिगेंड नीचे से चलिए दिखा देता हूं अरे तो कहोगे सर क्या बात कर रहे हो समझ में नहीं आया सुनना एक लिगंड ऊपर से अप्रोच कर रहा है इस तरीके से तो एक लिगंड नीचे से अप्रोच कर रहा है इस तरीके से मेटल को एक लिगेंड इस तरीके से अप्रोच कर रहा है तो दूसरा लिगेंड इस तरीके से अप्रोच कर रहा है एक लिगन इस तरीके से अप्रोच कर रहा है तो अगला इस तरीके से अप्रोच कर रहा है मतलब छह लिगेंड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर आकर के बैठेंगे और मैं आपको बता दूं ये सारा डायरेक्शन कितना भैया थीटा नाइनटी डिग्री है हम ये कहानी बता कैसे पा रहे हैं हमें पहले ही बता दिया गया कि ये ऑक्टाहेड्रल है तो थीटा नाइनटी तो होना ही होना है यहां पर भी थीटा नाइन्टी होना ही होना है चलिए मेटल के डी ऑर्बिटल वाली बात अपने दिमाग में रखना कि वो उसे इंट्रैक्ट होता है उसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा फिलहाल आप यहां पे देखें दो बैच में डी एंड एफ ब्लॉग पढ़ाने नहीं रिकॉर्डिंग करके डालने वाला हूं उसकी भी डेट है ट्वेंटी नाइन हम अब पहले नहीं बताना चाह रहे बता देंगे बच्चों को कि भैया हम इस दिन पर डाल देंगे है ना जी ओके आइए ये देखिए ये जो मेटल है ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला था मेटल के डी ऑर्बिटल इंट्रैक्ट होंगे तो मेटल के पास कितने डी ऑर्बिटल चलिए मेरे साथ बताइए पांच डी ऑर्बिटल तो ये देखिए पांच लाइनें मैंने बनाई है रिप्रेजेंटेशन के लिए तो पांच डी ऑर्बिटल है अब हुआ क्या जब इसको छह लोगों ने अप्रोच करा और ये स्फेरिकली अप्र... क्या हुआ घेरा गया अपने लिगेंड्स के द्वारा फील्ड के द्वारा तो होता क्या है इन पांच डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बढ़ जाती है तो यहां पे आपको दिखेगा कि इनकी एनर्जी क्या हो रही है बढ़ रही है पहले एनर्जी यहां थी अब एनर्जी बढ़ गई है अब देखो असली कहानी तो यहां पे देखने को मिलती है कि भैया ये जो पांच डी ऑर्बिटल थे ना ये पांच डी ऑर्बिटल अब वो साथ साथ नहीं रहेंगे अब वो डिजनरेट हो जाएंगे सॉरी अब वो क्या करेंगे डी खो देंगे ये है डी जनरेट डी ऑर्बिटल डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स अब कई बच्चे के दिमाग में होगा सर ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स नाम की कहानी का मतलब थोड़ा समझ नहीं आया बताइए बताइए क्या मतलब ऐसे कहने का यह मतलब कहने कहने का ये मतलब होता है कि जो हमारा डी एक्स वाई है जो हमारा वाई जेड है जो हमारा डी एक्स जेड है चाहे वो हमारा डी जेड स्क्वायर है चाहे वो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है मतलब कि ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है सेम है और जब एनर्जी सेम होती है ऑर्बिटल्स की तो उसको बोला जाता है कि वो डिजनरेट ऑर्बिटल्स है अभी इनकी एनर्जी सेम है अभी भी इनकी एनर्जी सेम है क्योंकि पांचों को हमने साथ बनाया है लेकिन इन लिगेंड के इफेक्ट की वजह से यहां पर कुछ ऐसा कर्मकांड होता है जिसकी वजह से ये जो पांच ध्यान से सुनना ये जो पांच डी ऑर्बिटल पहले साथ रहा करते थे जो पहले डिजनरेट हुआ करते थे जो पहले सेम एनर्जी रखा करते थे वो अब सेम नहीं रख पाते बल्कि दो फैमिली में डिवाइड हो जाते हैं और उन दोनों फैमिली से आप परिचित हैं कौन कौन सी फैमिली है सर ये भाई साहब दो फैमिली में टूट जाते हैं क्यों टूटते हैं बताऊंगा फिलहाल मानो कि दो फैमिली में टूट जाते हैं और पहली फैमिली कौन सी है तीन डी ऑर्बिटल्स कहां होंगे टी टू के अंदर होंगे अरे ये कौन से लोग हैं भाई नाम बता सकते हो क्या टी -टू के अंदर कौन आता है हां सर याद है मुझे डी एक्स वाई है डी वाई जेड है डी एक्स जेड है ये तीनों जो है एक परिवार के हिस्से हैं और ये अपनी एनर्जी क्या कर ले रहे हैं डाउन कर ले रहे हैं और दो ऐसे डी ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से कौन से हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जिसको आप ई फैमिली बोला करते थे इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इन भाई साहब लोगों की एनर्जी घट जाती है क्या आपको इतनी समझ में आई आपको इतनी लाइन समझ में फिलहाल जो बोलता जा रहा हूं, पहले थे अभी भी है, बाद में यार जब मेटल ने इंट्रैक्ट किया जब असली स्वभाव निकल के बाहर आया तो यह परिवार टूट गए भैया बताऊंगा फिलहाल यहां आइए देखिएगा हमें पता है कि हमारा जो मेटल है उस मेटल पर ध्यान से सुने अगर हम लेक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Square minus y square. ये 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 मैं 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 बना रहा हूं, square minus y square. सर कैसे पता ये square minus y square? अरे भाई देखो ये मैं कह दूंगा कि है 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 और और इसको तो क्या ये जो डी ऑर्बिटल दिख रहा है मुझे इस मेटल का वो डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोला जा सकता है तो शायद आपका जवाब हाँ होने वाला बोलो भाई शायद आपका जवाब हाँ होने वाला है अब ध्यान से सुनना यहां पे थोड़ा और ध्यान देना यहां पे थोड़ा और ध्यान देना यहां पे मान लो ये एक्स एक्सिस है ये वाला एक्स एक्सिस है ये वाला मेरे भैया वाई एक्सिस है और ये वाला जो तुम देख रहे हो वो भैया जेड एक्सिस है तो ये है एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ प्यारा सा खूबसूरत सा कि आप बताइए कि आपके एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई प्लेन मतलब यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स कहां पे मेटल के डी ऑर्बिटल की तरफ तो आप कहोगे सर चार लिगेंड है देखो एक दो तीन चार ये चारों ऐसे हैं जो एक्स वाई प्लेन में अप्रोच कर रहे हैं और बड़ी बात तो ये है कि ये चारों लिगेंड इस एक्सिस पर इस एक्सिस पर अप्रोच कर रहे हैं मतलब एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से अब इसी थियरी को यहां लेके आओ एक लिगेंड इधर से जा रहा है और एक इधर इससे आ रहा है होगा क्या एक लिगेंड मान लो यहां पहुंचा एक लिगेंड मान लो यहां पहुंचा जब वो लिगेंड वहां पहुंचेगा तो लिगेंड के पास खुद भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज होंगी क्या होंगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज होंगी तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो लिगेंड का जो इधर से गया जो इधर से गया वो मेटल के इस डी ऑर्बिटल मेटल के इस डी ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा इंटरैक्ट करेगा जब वो उनके साथ इंटरैक्ट करेगा भैया रिपल्सिव इंटरेक्शन शुरुआत में होगा तो होगा क्या रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है जिंदगी में कहीं भी अट्रैक्शन होगा तो निश्चित रूप से एनर्जी डाउन होगी और अगर रिपल्सन होगा तो गुस्सा आएगा तुम्हें क्या आएगा भैया गुस्सा तो इसका मतलब एनर्जी वहां पर बढ़ रही होती है बात समझ में आई तो ये अभी मैंने दो लिगेंट के बारे में बताया अब आइए यहां पर ये जो हमारा वाई एक्सिस है यहां पर भी दो लिगेंड एक इधर से आया एक इधर से आया अब मैं इसी दोनों को उठा के यहां ला रहा हूं एक लिगेंड यहां से अप्रोच करता है इस वाले को एक लिगेंड यहां से अप्रोच करता है इस वाले को इसका मतलब क्या हुआ कि जब लिगेंड यहां पर मेटल के इन डे ऑर्बिटल के लोब के पास पहुंचता है तो उनसे इंट्रेक्शन करता है और ये इंट्रेक्शन शुरुआत में रिपल्सिव है बाद में अट्रैक्टिव है इस वजह से क्या होगा यहां पर इंट्रैक्शन होगा एक रगड़ होगी एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी किसकी अरे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्यों बढ़ेगी भैया इसकी तो कहना कि भैया वो जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं वो भैया मेटल सॉरी वहां पर आपके एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं और आपके जो चारों लिगेंड हैं वो भी एक्सिस के अलोंग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं इस वजह से एनर्जी बढ़ जाती है एनर्जी बढ़ जाती है डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाती है जो पहले नॉर्मल थे शांत थे अब वो टूट करके ऊपर जाएंगे अब मन में सवाल होगा कि सर आपने डीजे स्कवायर को ऊपर क्यों रख रखा है ध्यान दीजिएगा इतनी बात समझने के बाद ध्यान दीजिएगा मैं कुछ बोलने वाला हूं किससे रिलेटेड डीजेड स्क्वायर से रिलेटेड ठीक है भैया जी सुनना ये हमारा प्यारा मेटल मेटल के पास ये था डीजे स्क्वायर डी स्क्वायर कुछ ऐसा ही होता है बोलो भाई डीजेड डी स्क्वायर की शक्ल में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है कोई बात नहीं ये है, ये ये है है एक्सिस एक्सिस अब यहां पर आओ। जेड यहां पर पर आओ एक ऊपर से आ रहा है एक नीचे से आ रहा है अब इन दोनों लिगेंड को यहां पर लाओ इंटरैक्ट कर दें तो क्या हो रहा है ये लिगेंट आएंगे इन लोब्स के साथ वो इंटरक्ट करेंगे इंटरेक्ट करेंगे तो उसकी भी एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी और ये फैमिली है तो भैया इस फैमिली की एनर्जी आपको यहां पे बढ़ती हुई नजर आएगी अरे बोलो यार समझ में आया क्या बोलो भाई समझ में आया क्या है ना जी अब आपको दो चीजें डी दी दी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डीजेड स्क्वायर इसकी बढ़ क्यों गई अब घटने की बात तो क्या ही समझाना घटने की बात क्या ही समझाना आपको क्यों नहीं समझा रहे हो सुनो भैया अगर सिस्टम में किसी की एनर्जी बढ़ी है किसी की एनर्जी बढ़ी अगर एक परिवार ये दो परिवार में टूटे तो एक परिवार की एनर्जी बढ़ी है तो भैया सिस्टम तो सेम एनर्जी पर जी रहा है ना तो क्या करेगा बाकियों की एनर्जी को वो ड्रॉप कर देगा गिरा देगा ठीक है जी ताकि ओवरऑल एनर्जी क्या हो कंजर्वड रहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम की कोई थियोरी कोई चीज मेरी समझ से पड़ी होगी आपने अच्छा अब हमें यह बात समझ में आ गई कि इन दोनों की तो बढ़ेगी और किसकी घट गई इन भैया परिवार की घट गई अब अगली लाइन सुनना अगली लाइन सुनना यहां पे, यहां पे जो परिवार है वहां पे लिखा जाता है टी टू जी और यहां पर लिखा जाता है ई जी जो ये जी होता है ये जी शब्द इसलिए लगाया गया क्योंकि यहां पर एक चीज होती है सिमेट्री क्या सिमेट्री वो अभी ज्यादा नहीं पढ़ना मैं तो थोड़ा सा बताऊंगा सिमेट्री का कुछ ऐसा मतलब जैसे एक लिगेंड के पीछे लिगेंड है इस लिगेंड के पीछे लिगेंड है इस लिगेंड के पीछे लिगेंड है मतलब ये सिमेट्रिकल है क्या है क्या है, क्या जल्दी बोलो जल्दी बोलो क्या है सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल चीज को बताने का तरीका है एक क्या जी लगा देना तो भैया ये जो तीनों लोग हैं इनको आज के बाद से टी बोला जाएगा और इन दोनों को ई बोला जाएगा कहां पर ऑक्टा फील्ड के अंदर मेरी समझ से सब समझ में आया होगा आइए आगे देखते हैं आगे देखते हैं ये देखो भैया जो गैप आता है ना एनर्जी का यहां पर जो एनर्जी का गैप आता है यहां वाले गैप को देखिएगा ये जो एनर्जी का गैप आता है t2g और eg में उसको देखो कैसे लिखते हैं डेल नॉट ये ओ है डेल ओ वो मतलब ऑक्टाहेड्रल है ना जी डेल का मतलब डेल शब्द कब लगाते हैं जब हमें चेंज देखना हो मतलब एक में से दूसरे को घटाना होता है तो ऐसे लिखते हैं ना तो यहां पर एनर्जी का चेंज कैसे लिखेंगे डेल ओ लिखेंगे ये एनर्जी के गैप को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसको क्या कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं क्या कहते हैं बोलो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल ओ कहते हैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखिए ठीक है जी अब देखो अगर ये पूरा डेल नॉट है तो हम इसको दो तर, दो हिस्से में डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को हम कहते हैं जीरो पॉइंट सिक्स डेल नॉट और नीचे वाले को कहते हैं माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल नॉट है ना जी अगर क्वांटिटी देखोगे तो वन है देखो ये माइनस मटा दूं ये माइनस में अटा रहा हूं देखना जोड़ो पॉइंट सिक्स पॉइंट फोर कितना हो गया वन तो जोड़ के टोटल कितना आएगा डेल नॉट तो गैप डेल नॉट का है लेकिन क्योंकि एनर्जी ड्रॉप हुई है तो माइनस लगा दिया एनर्जी ड्रॉप हुई है तो माइनस लगा दिया है अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक बात बताओ आपने आखिरकार क्यों पॉइंट सिक्स को ऊपर लिखा और पॉइंट फोर को नीचे थोड़ा इसका जवाब बताओ बताऊँ ऐसे कैसे मान लूंगा मैं एकदम सही सवाल अगर आप ऐसा सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो दोबारा सुनना क्योंकि हमें क्या पता करना था एनर्जी का कंजर्वेशन तो हम क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनना ये दोनों जोड़ के एक तो डेल नॉट आ रहा है पहली चीज दूसरी यहां पे ऊपर दो ऑर्बिटल हैं कितने दो यहां दो ऑर्बिटल है तो अगर मैंने जीरो पॉइंट सिक्स दिया तो टोटल कितने आ जाएंगे बोलो टोटल आ जाएगा वन पॉइंट टू डेल नॉट अगर मैंने ध्यान से सुन लेना अगर मैंने इस पॉइंट सिक्स को टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वन पॉइंट टू डल नॉट आएगा सेम कहानी नीचे तो तीन ऑर्बिटल है नीचे तीन ऑर्बिटल है गैप कितने का है बोलो भाई जीरो पॉइंट फोर का क्या यहां पे भी आ रहा है। हाँ सर यहाँ पे माइनस वन पॉइंट टू आएगा ऊपर प्लस टू आएगा मतलब यहां से एनर्जी क्या हो रही है सेम एनर्जी ड्रॉप हो रही है और सेम एनर्जी गेन हो रही है इसी वजह से यहां पर पॉइंट सिक्स लिखा जाता और यहां पर पॉइंट फोर लिखा जाता है शायद आप आपको समझ आया हो आखिरकार क्यों लिखा जाता है सुपर डुपर क्लियर है यस तो याद रखेंगे क्या कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर यहां पे इस तरीके से ब्रेकिंग हो जाती है इस तरीके से ये टूट जाते हैं क्या हो जाता है ये आपका डी ऑर्बिटल इस तरीके से क्या हो जाता है को खो देता है लॉस ऑफ डी की वजह से ये आपको दो परिवार मिलते हैं टी टू जी और ई जी नाम के माइनस क्यों लिखा श्रेया जी पूछ रही हैं माइनस इसलिए लिखा है आप ऐसे समझ लो मान लो ये मेरा ये मेरी जीरो लाइन है और इसको लिखा जाता है बेरी सेंटर क्या लिखा जाता है बी ए आर वाई बेरी सेंटर इस लाइन को बेरी सेंटर बोलते हैं इस बेरी सेंटर मतलब जीरो, जीरो सेंटर है तो जीरो से क्या हो रहा हम नीचे जा रहे हो मतलब माइनस में जा रहे जीरो से ऊपर जा रहे हो मतलब प्लस की तरफ जा रहे हो बस यही है यही है बेरी सेंटर ये लाइन जो है बेरी सेंटर जहां से आप ये बताते हो कि ये नीचे ड्रॉप हुआ और इतना ये यहां पे गेन हुआ है क्रिस्टल क्लियर है क्या आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या आपका ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नाम से मतलब समझ में आ गया होगा कि फील्ड की वजह से लिगेंड के फील्ड की वजह से आपके डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो रहे हैं टूट जा रहे हैं दो परिवार बना रहे हैं इस वजह से ये नाम सही साबित हो रहा है अब आगे आ जाते हैं प्रशांत जी संडे सभा आप कई बार लिखते जा रहे हैं वो प्रोसेस में है तो निश्चित रूप से जरूर होगा आगे आपको कल संडे है कल मिलेगा आज थोड़ी ना संडे मेरे भाई आ जाइए अब कुछ ज्ञान जो मैं पढ़ा चुका हूं उसको इन्होंने वर्ड्स में पिरो दिया है तो कृपया आप एक बार बस देख लें अंडर द इन डी जनरे डी जनरेसी क्या हो गई टूट गई डी जनरेसी का मतलब साथ रहना डी जनरेसी टूटने का मतलब अलग अलग हो जाना और ऐसा यहां पे हो रहा है अब आइए नेक्स्ट पश्चिम स्पिटिंग ऑफ डिजनरेट लेवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफेंट्स इनफिनिट जो इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्रिटिंग जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को क्रिस्टल फील्ड स्प्रिटिंग कहते हैं और जो गैप आता है टी टू जी और ई जी के बीच में उसको मेरे भैया क्या बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्रटिंग एनर्जी बोला जाता है सुपर डुपर क्लियर यस ये आगे बढ़ते हैं अब आपको मस्त जबरदस्त चीज सीखनी है यह पेपर में आएगा यह पेपर में आएगा पेपर में क्या आएगा कि बताइए वन सिस्टम अगर हमारे पास मेटल पे है तो बताइए वो कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त ध्यान सुनना कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त अपने इलेक्ट्रॉन को टी टू जी में रखेगा या ई जी में रखेगा एक एक शब्द सुनना जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स को मैं यहां बनाता हूं मैं लिखता हूं स्कैंडियम एच टू स्कैंडियम एच टू सिक्स टू प्लस स्कैंडियम एच टू सिक्स प्लस जब आप यहां पे निकालोगे स्कैंडियम टू प्लस क्योंकि देखो स्कैंडियम टू प्लस यहां पे मेटल का आयन है इसका आएगा D1 वन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन क्या आएगा यहां पर आएगा D1 वन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन तो देखो कैसे करना है आपसे पूछा जाएगा इससे रिलेटेड आप बताइए कि किस तरीके से स्प्रेटिंग होगी और वहां पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा क्या 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 आप बात कर रहे हो सर इतनी बातें कर दे रहे हो समझ नहीं आ रहा एक शब्द होता है यहां लिख देता हूं अच्छा ये तो लाना ही नहीं था आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी अब देखो भाई ध्यान सुन लो चलो डीवन भरना है तो पहले जो डिजनरेट थे उनमें भर दो तो एक ऑर्बिटल में मैंने क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन भरना इस तरीके से भर के बताया डी वन जब वो स्प्लिट हुआ जब छह वॉटर मॉलिक्यूल ने स्कैंडियम टू प्लस की तरफ वो क्या किया अपनी फील्ड लगाई ड की फील्ड अप्लाई कर दी अपने नेगेटिव चार्ज से इंट्रैक्ट किया इनके मेटल के डी ऑर्बिटल को तो ये भैया टूट गए टी टू जी में और ई जी में फिर देखो भैया हमें पता होता है कि आपको हर बार इलेक्ट्रॉन वहां भरना होता है जिसकी एनर्जी कम हो एनर्जी कम किसकी है टी टू जी की मैंने बताया था ना कि बैरी सेंटर से नीचे टी टू जी आता है ऊपर ई जी आता है इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या लिखा जाएगा यहां पर लिखा जाएगा टी टू जी वन एंड ई जी जीरो है ना जी ई जी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन टी टू जी में एक इलेक्ट्रॉन है सर आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों लिखा अरे मेरे भैया जिसकी एनर्जी कम होती है ना ऑर्बिटल की आप बाढ़ यही कहता है जिसकी कम एनर्जी है उसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉन रखना क्योंकि स्टेबिलिटी वहीं पर फील आएगी अच्छा ये बात है क्या चलो अगला बताओ चलो भैया अगला बताओ तो देखो भैया हमने एक चीज़ समझा दिया तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कैसे निकालोगे सिस्टम क्या है इसका ठीक है जी अगर मैं पूछूं यहां पर बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बता सकते हैं ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप कहोगे सर एक है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो भैया निश्चित रूप से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपको यहीं भी पूछा जाएगा बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा क्या आप बता सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूप थ्री कैसे आएगा अरे सर क्या आप बात कर रहे हो ये लो आपने फॉर्मूला बताया एन एन प्लस टू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन यही तो है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हो सुपर डुपर क्लियर है क्या बोलो भैया क्या आपको यहां तक की कहानी सुपर डुपर क्लियर है क्या मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है जी अब आगे बढ़ जाते हैं अब हम डी टू पर बात करूंगा डी टू इलेक्ट्रॉनिक परेशन पर D2 D2 दो है। चलो भाई एक, एक पांच थे दोनों में एक एक भरती है दोनों इलेक्ट्रॉन जब टी टू जी में जाएंगे क्या को कोई समस्या होने वाली है आप कहोगे कैसे समस्या होगी सर नीचे आपको दिख रहा है कि यहां पर एनर्जी क्या हो रही है भैया डाउन हो रही है तो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के अंदर परिवार के अंदर आपको अपने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर इस तरीके से चले जाएंगे है ना जी कोई समस्या नहीं है अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा क्या आप बता सकते हैं डी टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आप कहेंगे सर बड़ा आसान है टी टू जी के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन आप ऊपर देखो ई जी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ई जी जीरो है तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए मेरे बारे में ठीक है जी और अगर मैं पूछूं यहां पर गैप को क्या बोलते हैं बताओ इस गैप को क्या बोलते हैं तो आप कहना कि ये गैप डेल नॉट कहलाता है क्यों नॉट क्योंकि आप सिक्स की चर्चा हो रही है और अभी मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड ही आपको पढ़ा रहा हूं अब आगे आ जाइए इस डी थ्री पर चर्चा कर इस D3 पर चर्चा कर लेते हैं D3 के अंदर एक यहां भरा एक यहां भरा एक यहां लेकिन जब D3 टूटेगा टी टू जी और ई जी में तो भैया आपको क्या करना होगा एक यहां भरना होगा एक यहाँ एक यहाँ उन रूल क्या कहता है अगर तीन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो सब में पहले क्या कर लो एक एक भर लो बोलो भैया एक एक भर लो अच्छा अच्छा तो यहां से मैं अगर पूछू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा तो आप क्या बता पाएंगे क्या आएगा टी टू जी थ्री ई जी जीरो टू जी थ्री और eg0 जीरो आएगा इतनी बात समझ में आ चुकी है क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलना आना चाहिए यहां से मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए क्या आप यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं अरे हाँ सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज थ्री तो थ्री इसके बाद क्या होता है थ्री प्लस टू बोर मैग्नेटॉन बोर मैग्नेटॉल तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी तो क्या आपको डी वन डी टू डी थ्री नाम की कहानी एकदम क्लियर हुई सुपर डुपर क्लियर है लेकिन D4 की कहानी और इसकी दुनिया थोड़ी अलग है और यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हो आपको आनंदमय करने वाला है सिखाने वाला है कुछ समझ में आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से आ रहा होगा है ना जी एक बार मैं थोड़ा देखना चाहूंगा एक चीज Hmm. ये एक एडिटिंग की यहां पे जरूरत पड़ेगी तो इससे हटा हटाई देता हूँ मैं खुद लिख दूंगा या देखता हूँ स्विच हो सकता है तो हाँ ठीक है पॉसिबल है बस क्या हुआ कि ये स्विच हो गया है इधर उधर कोई बात नहीं आइए अब आपको D4 की दुनिया दिखाते हैं D4 एकदम मजेदार शानदार चीज है भाई मैं बता रहा हूं यहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अब तक तो डी वन डी टू डी थ्री तो आपको मजा आया आनंद आया छोटी सी बात थी अब आइए देखिए डी फोर में क्या होगा सुनना ध्यान से डी फोर की अगर मैं बात करूं तो एक यहां पे भर दो तीन चार तो ये तो अभी डी जनरेट है ये ये पता कब की बात हो रही है जब मेटल अकेला है जब मेटल अकेला है जब लिगेंट्स नहीं है तो पांचों डी ऑर्बिटल साथ रहते हैं खुश हैं प्रसन्न है अभी डी फोर कहा आपने तो मैंने क्या करा यहां पे डाल दिया लेकिन ये बात सिर्फ मेटल मेटल की है लेकिन मेटल अगर सिक्स लिगन के साथ इंटरेक्ट करेगा कितने के साथ सिक्स लिगन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो तो टूट जाएगा मतलब क्या टूट जाएगा या आपका डी ऑर्बिटल टूट जाएगा जो पहले डी हुआ करता था तो इस तरीके से टूट जाएगा अब देखना सुनना भाई आपसे कहता हूं आपको डी फोर भरना है तो आपको सर देखो चार भरना था तो चलो भर लेते एक दो तीन अच्छा अब आपके मन में सवाल होगा कि सर चौथा इलेक्ट्रॉन क्या देख के भरू चौथा इलेक्ट्रॉन में यहां भी भर सकता हूं और चौथा इलेक्ट्रॉन में उठा के यहां भी डाल सकता हूं अब मन में सवाल यह है कि इनमें से करूं क्या बताइए सर इसका क्या जवाब दिया जाएगा तो भैया यही चीज हमें सीखनी है ये चीज हमें क्या करनी है भैया ये चीज हमें सीखनी है ये चीज अब यार अगर मेरे पाउथा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अगर यहां पेयरिंग करेगा तो भैया पेयरिंग कराने में बाहर से एनर्जी लगानी पड़ती है क्या बात कर रहे हो अरे भाई दो लोगों को शादी करवानी है तो मंडप लगेगा दूल्हे का पूरा सिस्टम लगेगा समझ रहे हो ना इतनी खर्चा करना पड़ेगा ना भाई एनर्जी का इनपुट डालना पड़ेगा अगर हमें पेयर कराना है तो क्या करना है अगर हमें पेयर कराना है और पेयर कराने में खर्चा क्यों लगा वो भी सुन लो एक ही घर है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों करेंगे रिपल्सन और दोनों अगर रिपल्सन करेंगे तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए खत्म करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी झोंकनी पड़ती है और वो एनर्जी जो दो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने के लिए जिम्मेदार होती है दैट एनर्जी इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी क्या बोलते हैं भाई उसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं क्या इतनी बात आएगी मैंने क्या बोला उसको क्या बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं तो अगर ये यहां पर आना अगर मैं कह रहा हूं अगर ये गैप अगर ये गैप डेल नॉट अगर ये गैप जो है, मेरे भाई वो क्या निकला ध्यान से सुनना इस लाइन को ये जो गैप है वो छोटा निकला और पेयरिंग एनर्जी बड़ी निकली अगर ये गैप छोटा निकला और पेयरिंग एनर्जी बड़ी निकली तो क्या होगा आप सोच के बताइए क्या वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या वो इलेक्ट्रॉन यहीं रहना चाहेगा? बोलो भाई क्या होगा यहां पर सर लैग हो रहा है अच्छा कोई बात नहीं मैं दोबारा बता दूंगा अगर लैग हो रहा है तो मैं इस चीज को एक बार और भी बता सकता हूं ठीक है ना से पेरिंग एनर्जी वाली कहानी मैं दोबारा बता दूंगा आपको कोई दिक्कत की बात नहीं कोई दिक्कत की बात है? ठीक है रमन दैया जी इतना बार कमेंट नहीं करते यार है हाँ यार शादी कराने में इतना ज्यादा खर्चा होता है वही खर्चा यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कहलाता है क्या वो खर्चा क्या कहलाता है पेयरिंग एनर्जी कहलाता है इतनी बात तो क्लियर हो गई अच्छा जी एक दूसरा चांस क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग नहीं करता ये पेयरिंग नहीं करता बल्कि ये कूद के कहा चला जाता यहाँ ये भाई साहब यहां पेयरिंग नहीं करते बल्कि कूद के यहां चले जाते क्यूँ? क्यों क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को लगा यार पेयरिंग एनर्जी कराने में बड़ी झंझट है पेयर करने में बड़ी झंझट है मैं तो यार बाबा बन जाता हूं पहाड़ों पे चढ़ जाता हूं मैं क्या करता हूं पहाड़ों पे चढ़ जाता हूं मैं पेयरिंग नहीं कराऊंगा क्यों क्योंकि क्यों पेयरिंग में बहुत ही समस्या है अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है सुनना अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आना चाहेगा अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आना चाहेगा लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी कम है लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब उसको लगा यार कि कोई नहीं शादी ब्याह कर लेते कम ही खर्चा लग रहा है तो उसने कहा कि ठीक है भाई शादी कर लेते कौन जाएगा बाबा बनने लेकिन ये कब जब पेयरिंग एनर्जी कम है जब जो इनपुट लगाएगा वो तो एनर्जी कम है तो शायद क्लियर हुआ हो पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको है ना जी ये मान के चलूंगी कि आपको समझ में लाइन आ चुकी है बोलो भैया मैं बस पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा रहा था पेयरिंग एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि कौन कैसा बिहेव करेगा अब देखो असली कहानी एक तो ये था चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे देखो क्या है कि ये गैप बड़ा कम है तो चौथे इलेक्ट्रॉन ने सोचा चलो मैं यहां पे आ जाता हूं लेकिन सुनना अगर मैं क्या करूं इस गैप को बढ़ा दूँ कोई तरीका लगाऊंगा बताऊंगा क्या है किसी तरीके से ये गैप को बढ़ा दूँ तो चलो भैया ये स्वागत करो यहां पे देखो वहां पर गैप बहुत बड़ा है वहां पे गायक बहुत बड़ा है ये भी डी फोर है एक इलेक्ट्रॉन दो तीन चार हमने क्या किया फिलिंग शुरू करी वन टू थ्री ये क्या था टी टू जी और ये भाई साहब क्या थे ई जी यहाँ पे भी भाई साहब को क्या जाना था टी टू जी में फिर जाना था ई जी में मैंने क्या बोला था कि उस इलेक्ट्रॉन को ये लगा ये इस इलेक्ट्रॉन को कि यार अगर मैं पेयरिंग कराऊंगा तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा इनपुट मारना पड़ेगा कोई बात नहीं मैं चढ़ के ऊपर चला जाता हूं मैं ट्रांजिशन कर लूंगा मैं ऊपर चला जाऊंगा लेकिन यहां पर इतना बड़ा गैप है मतलब हिमालय पे चढ़ के तुम्हें बैठना पड़ेगा तो तुम बाबा बनना पसंद नहीं करोगे तुम तो यह सोचोगे कोई बात नहीं थोड़ा सा दुख दर्द सह लेंगे लेकिन यहां पर हम पेयरिंग करवा लेते हैं बोलो बात ठीक है क्या बोलो बात ठीक है क्या तो यहां पे पेयरिंग क्यों करवा ली पता है क्योंकि यह गैप बहुत बड़ा था अरे तुम्हारे पास दो घर थे तुम्हारे पास सिर्फ जिंदगी में दो ऑप्शन है या तो तुम टी टू जी में रह लो या तो तुम ई जी के घर रह लो दो ही जगह तुम रह ले सकते हो और ईजी का घर भैया बाबा जहाँ हिमालय हिमालय चटना है लेकिन तुमने देखा यार कोई बात नहीं ये हिमालय इतना ऊंचा है कौन जाएगा वहाँ पे, ऐसा करते हैं पेयरिंग कर ले ऐसा करते हैं पेयरिंग कर लेते हैं अब यहां पर आओ यहां जो चौथा इलेक्ट्रॉन था उसके पास ये ऑप्शन था कि वो यहां पे पेयरिंग करा सकता था लेकिन उसने देखा यार पेयरिंग कराने में इतनी झंझट है और ये गैप उतना कम है मेरे पास तो सेकंड घर भी है तो वो क्या करेगा थोड़ा सा चढ़ करके ऊपर चढ़ा जाएगा और यहां पर ईजी में जाकर के लैंड हो जाएगा तो मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी और यहां पर आपको यह समझ में आया हो कि क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलो भाई ये देखो कंडीशन यहां पर लगेगी यहां पर पेयरिंग एनर्जी क्या है ज्यादा है और ये छोटा है देखो डेल नॉट क्या है छोटा है जब ये छोटा है पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो भैया वो ऊपर जाएगा ऑब्वियस बात है वो पेयरिंग क्यों करेगा लेकिन यहां पर देखिए यहां पर डेल नॉट बहुत बड़ा है जब डेल नॉट बड़ा होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन सोचेगा यार मैं ऊपर नहीं चढ़ रहा भाई मैं नीचे ही पेयरिंग करवा लेता हूं तो पेयरिंग होती कब है जब पेयरिंग एनर्जी कम होती है पेयरिंग कब होती है जब पेयरिंग एनर्जी कम होती है जब की वैल्यू बड़ी होती है तो ध्यान रखना ये कंडीशन है पेयरिंग करवाने के लिए कंडीशन फॉर पेयरिंग क्या होती है जो हमारी पेयरिंग एनर्जी है वो कम होनी चाहिए क्या आपको इतनी बात समझ में आई जो मैंने अभी बताया पेयरिंग एनर्जी कम होना इस बात की जिम्मेदारी है कि भैया वो क्या करेंगे अपनी पेयरिंग करेंगे लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो सोचेगा बड़ा खर्चा है मैं नहीं जा रहा भैया मैं कहा बाबा बनूंगा कहानी खत्म अब पढ़िए के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप बताइए आप कहोगे कि जब ये कंडीशन हो तो लिखा जाएगा टी टू जी थ्री एंड लिखा जाएगा eg में कितना वन eg में क्या लिखा जाएगा वन लिखा जाएगा बोलो भाई बात ठीक है क्या बोलो भाई बात ठीक है मजूमदार जी धन्यवाद धन्यवाद पढ़िएगा समझिएगा क्या बोला मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें कहानी समझ में आई कि भैया यहाँ, यहाँ पर टी टू जी थ्री और अगर आप बात करें तो आप कहोगे कि सर G के अंदर तो चार इलेक्ट्रॉन है लेकिन ई जी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन है और इजी में जीरो इलेक्ट्रॉन है क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोलो भाई बोलो भाई क्या आपको इतनी बात समझ में आई आनी चाहिए अब देखिएगा कुछ लिखा गया लिगेंड्स फॉर विच डेल नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी आर नोन एज फील्ड लिगेंड ये बहुत शानदार चीज बताने जा रहा हूं इस यही जान है इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो अभी दो लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा पहली चीज है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थोड़ी देर ना इसको छोड़ो नहीं तो कहानियों में तुम फंस के बर्बाद हो जाते हो सुनना अब कोई मेटल है जैसे मान लो एक मेटल है उसके पास लिगेंड है एल डैस सिक्स उसने ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनाया तो उसने उसकी शकल ऐसी बनी और एक मेटल है ध्यान से सुनना छह लिगंड है ठीक है तो उसकी शकल सूरत ऐसी बनी है कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो मेटल से जबरदस्त इंट्रैक्शन रखते हैं बहुत अच्छा आयनिक इंट्रैक्शन रखते हैं बहुत अच्छे तरीके से डी ऑर्बिटल के साथ इंट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से डी ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्प्लिट हो जाता है क्या बोला मैंने कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो हमारे मेटल से बहुत अच्छे तरीके से इंटरैक्ट होते हैं और उस इंटरेक्शन की वजह से वो क्या हो जाते हैं और ज्यादा बहुत ज्यादा स्प्लिट कर जाते हैं बहुत ज्यादा स्प्लिट कर जाते हैं लेकिन कुछ बहुत कमजोर लिगेंड होते हैं कुछ वीक लिगेंड्स होते हैं जो मेटल के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते मेटल के डी ऑर्बिटल को ज्यादा स्प्लिट नहीं करा पाते तो भैया ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं लेकिन ऐसे लिगेंड जो धुआधार तरीके से इस डेल नॉट की वैल्यू को बढ़ाते हैं ई और टी के बीच में गैप को बड़ा करते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगंड कहते हैं क्या आप मेरी बात से सहमत हैं क्या क्या आप मेरी इस बात से सहमत है क्या जरूर बताइए चलिए बताइए बोलो भाई क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं क्या कि जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा वो एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा कि वो लिगेंड द्वारा बनाया हुआ फील्ड जाकर के मेटल के डी ऑर्बिटर के साथ इंट्रैक्ट करेगा और टी टू जी और ई जी के बीच में गैप को बड़ा कर देगा लेकिन कुछ ऐसे होंगे हमारे पास लिगेंड्स जो ज्यादा जो आपके डेल नॉट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं सचिन जी आपका चैट दिख रहा है शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको सारी चीज क्लियर हो चुकी है सुपर डुपर क्लियर हो चुकी है बोलो भाई बात समझ में आ रही है क्या क्या आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में जा पा रही हैं क्या है ना जी तो आप क्या लिखोगे वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन ये है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की कंडीशन ये है कि पेयरिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी कम होगा तो पेयरिंग हो जाएगी और पेयरिंग हो क्यों रही है सोचो ये सब पेयरिंग हो क्यों रही है क्योंकि ये गैप बड़ा है और ये बड़े गैप को करने का जिम्मेदार कौन है कोई लिगेंड होगा जो मेटल से इंट्रैक्ट हुआ होगा और क्या करा धज्जियां उड़ा दिया डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल्स की और वो स्प्लिट कर गए तो इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की कंडीशन में क्या होगा भैया पेयरिंग करनी मजबूरी होती है क्या मजबूरी होती है अब आइए नेक्स्ट पर डी फाइव डी फाइव बताइए डी फाइव को कैसे भरा जाएगा डी उत्कर्ष ओके जी थैंक यू एंड हार्दिक जी क्या कह रहे हो सर लैग हो रहा है ओके कोई बात नहीं एक बार आउट होकर के फिर से इन हो जाइए जब भी लैग हो तो आउट होकर के दोबारा इन हो जाइए ठीक हो जाएगा है ना जी आ जाइए डी फाइव में अब आप लोग भी थोड़ा बताओ यार डी फाइव की दो कंडीशन हैं मैंने दोनों कंडीशन बनाई है ये कौन सी कंडीशन होगी निश्चित रूप से ये वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन है वीक फील्ड होने की वजह से मेटल ने लिगेंड को ज़्यादा इंट्रैक्ट नहीं किया लिगेंड से ज़्यादा इंट्रैक्शन ना हो पाने की वजह से मेटल का डी ऑर्बिटल ज़्यादा स्प्लिट नहीं हो पाया इसलिए ये वीक फील्ड लिगेंड की कहानी है और यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ये कहानी होगी

वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा दिखेगी आपको डेल नॉट से और यहां पर ऐसा दिखेगा ठीक है जी क्या आपको कहानी समझ में समझना है क्या आपको कहानी समझ में आ रही मैं कई बार बताता हूं यार कॉन्सेप्ट खत्म होने का तो मेरे समझ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डी फाइव के अंदर क्या है वीक फील्ड लिगन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ठीक है जी तो आपने क्या देखा कि भैया एक दो तीन पहले बड़ा हमने पेयरिंग नहीं कराई हम ऊपर चले गए क्यों क्योंकि यहां पर गैप कम था यहाँ पे हमने यही पेयरिंग कराई क्यों क्योंकि ये गैप क्या था ज्यादा था तो चौथा इलेक्ट्रॉन वहां क्यों जाना चाहेगा उतना ऊपर ठीक है जी कहानी समझ में आ गई चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह लिख लें हाँ तो ये वाली बात तो समझ में आ रही है कि ये किसके लिए है ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए है और ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए है वो कौन से लोग हैं अभी बाद में बताऊंगा फिलहाल देखिए यहां पर कन्फिगरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइए टी के अंदर ये टी है भाई ये टी टू जी है और ये ई जी टी टू जी के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है और ई जी के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है जबकि जबकि यहां की बात करें तो यहां ही टी टू जी में सारे इलेक्ट्रॉन है क्या है टी टू जी में पांच इलेक्ट्रॉन है और ई जी में जीरो इलेक्ट्रॉन है बोलो भाई ये लाइन समझ में आई है क्या लाइन समझ में आई है क्या तानिया जी ने सही बताया है ठीक है जी सुपर डुपर क्लियर है अब इसी तरीके से आप डी सिक्स को खुद भरिए है डी फाइव को खुद भरिए कर ले जाएंगे डी सिक्स डी सेवन ए डी एट डी नाइन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैं आपको बताने वाला हूं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में ये सुनना जानना बहुत जरूरी है पहले समझना जरूरी है देखो मैं एक मेटल ले रहा हूं एम एन सिक्स ठीक है दूसरा मैं मेटल वही सेम मेटल लेकर के मैं लिगन बदल रहा हूँ तो लिगन में एल्डाइस रख ले रहा हूँ तो ये ले रहा हूँ ठीक है मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स है ध्यान से सुनते जाना यहां पर जो कॉम्प्लेक्स है अभी मैं कुछ इस तरीके से बोलता हूँ यहाँ पर जो लिगेंड एल है ये जो लिगेंड एल है ये मैं अगर कहूँ कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैं ये मान रहा हूं भाई अगर मैं कहूं ये लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो निश्चित रूप से आप ये कमेंट कर दोगे कि यहां पर जो डेल नॉट की वैल्यू होगी वो ज्यादा आएगी वो ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट कर पाएगा यहां पे कहानी क्या निकली ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट कर पाएगा लेकिन अगर मैं कह दूं कि एल्डेस क्या है एल्डेस इज अ वीक फील्ड लिगेंड तो अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां के केस में जो डेल नॉट होगा वो कम आएगा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अब देखो होता क्या ये तो जनरली आप बता सकते हो लेकिन सवाल यह आता है आप जज कैसे करोगे आप लिगेंड में फीलिंग कहाँ से लेके आओगे तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज याद करनी पड़ती है अभी तो ठीक है ये बात मैं जब बताऊंगा कि स्ट्रांग फील्ड तो तुम समझ ही जाओगे लेकिन सवाल ये है स्ट्रांग फील्ड एंड वीक फील्ड को आप कैटेगराइज कैसे करोगे आप नहीं कर पाओगे आपको एक्सपेरिमेंटली ही ये चीज सीखनी पड़ती है आइए बताता हूँ कैसे ये बात समझ में आ गई है ना ये पीछे ही बताया अब आपको दिखाता हूँ एक सीरीज ये क्या है ये सीरीज है जिसमें हमने लिगेंड्स को ऑर्डर में लिख रखा है एक ही मेटल के साथ हमने रखा एक मेटल के साथ मान लो सिक्स टाइम वाटर रख लिया सिक्स टाइम एनस्ट्री लिख दिया अमोनिया लिख दिया तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के डेल नॉट वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया जब हमने ये ऑब्जर्व किया तो हमने देखा अमोनिया ने ज्यादा स्प्लिट किया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू वॉटर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ये जस्ट एक थियोरी है याद ही करना पड़ेगा कुल मिला एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कहानी खत्म करते हैं है ना सीरीज ऑफ लिगेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ और हम फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे लिखते हैं Octahedral की बात तो डेल नॉट लिखा जाता है है ना जी देखिएगा तो पहले आएगा सबसे पीछे क्या आता है भैया हाइलोजन बाद में आएगा ऑक्सीजन डोनर्स इसके बाद नाइट्रोजन डोनर्स और इसके बाद कार्बन डोनर्स सिंपल सी कहानी सुनो कार्बन डोनर्स कार्बन से डोनेट करेगा नाइट्रोजन डोनर नाइट्रोजन से ये भाई साहब ऑक्सीजन से और ये हाइल्रोजन से जब आप इधर आते हो देखो कार्बन से जब आप हेलोजन की तरफ आते हो तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती हुई नज़र आती है बोलवाती कि नहीं जब आप इधर से इधर आते हो तो इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी घट जाती है कार्बन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसी वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रहा है मेटल के साथ तो मेरे भैया वहां पर ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी लेकिन हाइलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहता यह जो लिगेंड है वो लिगेंड मेटल से ज्यादा जब इंट्रैक्ट ही नहीं होगा तो वो ज्यादा स्प्लिट नहीं करेगा इसका मतलब हाइलोजन डोनर्स क्या होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं अक्सर और हमारे कार्बन डोनर्स क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट्स होते हैं अच्छा जी आइए चलिए आगे देख लेते हैं आगे देख लेते हैं पढ़िएगा इसको इस चीज को पढ़िए क्या लिखा है यह एक ऑर्डर है भाई इस ऑर्डर का एक जनरल फ्रेम दिमाग में रखना पड़ता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए बस आपको यह याद रखना चाहिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन अब मैं आपको कार्बन डोनर्स दिखाता हूं ये दोनों कार्बन डोनर्स हैं देखो दोनों में कार्बन दिख रहा है सी एन नेगेटिव सी ओ तो यहाँ पे सबसे आगे कौन होता है सी ओ का फील्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा है मतलब कहने का ये हुआ कि सी और सी में कंसीडर करना हो अरे कंपेयर करना हो ना तो भैया याद रखना कि सी क्या है ज़्यादा अच्छे तरीके से मेटल से इंट्रैक्ट करता है और अच्छे से इंट्रैक्ट करता है तो ये इसका मतलब ये हुआ बहुत अच्छे से स्प्लिट करता है किसको टी टू जी और ई को ज्यादा स्प्लिट करता है और अगर ये ज्यादा स्प्लिट करेगा तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा नजर आएगी तो ये कार्बन डोनर्स हैं अब नाइट्रोजन डोनर्स की बात करोगे तो यहाँ से दिखेगा देखो ये नाइट्रोजन डोनर्स हैं ई क्या होता है क्या होता है इथिन वन टू डायमीन तो वहां पर एनएस टू एन एस टू ग्रुप होता है वहां पर नाइट्रोजन यहां पर भी नाइट्रोजन ईडीटीए में भी नाइट्रोजन होता है एनसीएस में नाइट्रोजन है ही है तो ये चार के चारों आपको क्या दिख रहा है नाइट्रोजन डोनर्स दिख रहे हैं और यहां पर क्या होगा ई e आगे होगा एनएस पीछे ईडीटीए उसके बाद एनसीएस उसके बाद आता है बोलो भाई बात एकदम सुपर डुपर क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा जी आगे देखिएगा यहां पर ऑक्सीजन डोनर्स की बात करें तो देखिए ये क्या है ये ऑक्सीजन डोनर्स है यहाँ पर भी ऑक्सीजन से डोनेशन होता है यहाँ से भी और यहाँ से भी और इनमें क्या आएगा इनमें ये ऑर्डर आएगा और ये जो ऑक्सीजन डोनर्स होंगे वो भाई नाइट्रोजन डोनर से पीछे आते हैं और जो ये नाइट्रोजन डोनर्स हैं वो इन कार्बन डोनर से पीछे आते हैं ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ती है आइए अब हम एलोजन डोनर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा है आई नेगेटिव बी आर निगेटिव सी एल नेगेटिव एफ नेगेटिव बाकी चीजें भी होती हैं एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आता है जनरली आपसे जो पूछा जाएगा वो एफ सी एल बी आर आई होगा एफ फ्लोरिन आगे आयोडीन पीछे है तो ध्यान रखेंगे आपसे पूछूं सबसे अच्छा सबसे शानदार लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है तो CO इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे घटिया लिगेंड कौन सा है तो बोलोगे आई नेगेटिव आई नेगेटिव कैसा है सबसे घटिया लिगेंड है भाई सुपर so, डुपर क्लियर है क्या क्या आपको इतनी लाइनें याद हूं अब देखो आपकी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपके सामने एक ब्रह्मास्त्र रखूंगा एक ब्रह्मास्त्र रखूंगा आपको तब समझ में अच्छे तरीके से आएगा है ना पेयरिंग वगैरह अभी और मैं समझाऊंगा कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं बस यहीं तक हो गया नहीं भाई साहब अभी जो ब्रह्मास्त्र सिखाऊंगा उस ब्रह्मास्त्र को लगा करके आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपका दर्द हट जाएगा आइए देखिएगा अगर हमारे पास कोई थ्री सीरीज का मेटल है अगर हमारे पास कोई थ्री डी सीरीज का मेटल है थ्री डी सीरीज का मतलब क्या होता है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। अगर हमारे पास थ्री डी सीरीज का कोई मेटल है और उस मेटल पर क्या है मेटल टू प्लस है क्या है मेटल टू प्लस है तो वहां पर आई नेगेटिव से लेकर के ई एन तक आई नेगेटिव से लेकर के ई एन तक क्या होता है बुरु भाई आई नेगेटिव से ई एन तक क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है मैं आपको ये बता रहा हूं कैसे आपको पता चलेगा जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है मान लीजिए हमने लिखा स्कैंडियम फिर हमने लिखा एच टू वो क्या स्कैंडियम फिर हमने लिखा एच टू वो स्कैंडियम के बजाय मैं कुछ और लिखना पसंद करूंगा अभी है ना रीजन भी बाद में समझाया जाएगा क्यों हमने हटाया था अभी अगर मैं ले लेता हूँ क्रोमियम क्रोमियम एच टू ओ सिक्स टू प्लस ये है मान लीजिए क्रोमियम एस टू सिक्स प्लस है तो आप इस कॉम्प्लेक्स को देख करके कैसे पता करेंगे कि आपका ये वॉटर मतलब कि लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड ब्रह्मास्त्र चल रहा है बहुत मजा आने वाला है ब्रह्मास्त्र में बहुत मजा आने वाला है भाई तुम योद्धा हो योद्धाओं को जंग जीतने के लिए ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी और यह ब्रह्मास्त्र यहीं पाँच मिनट में निपटाया जाएगा सुनना अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है वहां पर जो मेटल है वो मेटल जो है थ्री सीरीज का है और उस पर क्या है टू प्लस चार्ज मेटल पर टू प्लस चार्ज है तो भैया आपका लिगेंड आपको चेक करना है कहाँ आता है तो उसके लिए मैंने बताया कि अगर आपका मेटल टू प्लस चार्ज रखता है और थ्री सीरीज का है तो आई नेगेटिव से लेकर के ई तक मतलब यहां तक आई नेगेटिव से लेकर के ई मतलब यहां तक आई नेगेटिव से इन तक इतने लोग वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट किए जाएंगे यहां से लेकर यहां तक के लोग वीक फील्ड लिगेंड की, की तरह ट्रीट किए जाएंगे बस CO और CN ऐसे होंगे जो स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट किए जाएंगे क्या आपको इतनी बात सुनना है क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहां तक है यहां तक और इसके पीछे ये लेकिन कब जब मेटल पर टू प्लस हो लेकिन अगर मैंने मेटल पर प्लस थ्री कर दिया ध्यान दीजिएगा अगर मैंने थ्री डी सीरीज का मेटल रखा और प्लस थ्री कर दिया तो मान लीजिए मैंने क्या किया यहां पर देखिए समझा रहा हूं अब मैं मेटल चेंज कर रहा हूं मान लीजिए मेरा मेटल अब हो गया है एफ और यहां पर मैंने लिख दिया थ्री प्लस ध्यान देना आयरन लिया और थ्री प्लस तो मतलब क्या मेटल हमारा कैसा थ्री प्लस तो आपको पता करना एक बार बताऊं ये वाटर जो है मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा तो देखिए कैसे पता करिए तो आपको आई नेगेटिव से एच तक के सारे लोग ध्यान देना आई नेगेटिव से एच तक के सारे लोगों को क्या बोलना है वीक फील्ड लेगेंड बोलना इसका मतलब Fe3+ के साथ जो ये वाटर है वो वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा वो ज्यादा स्प्लिट नहीं करेगा वो कम स्प्लिट कर रहा होगा ये बहुत शानदार चीज है भाई याद रखना मेटल में प्लस फोर में तो, तो भैया सिंपल सी बात होती है कि ऑल लिगेंट्स आर क्या 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 ऑल लिगेंट्स आर ऑल लिगेंट्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड ध्यान से सुने मैं एक बार और समझाऊंगा इस चीज को क्या बोला मैंने मैंने ये बोला कि अगर अगर आपका मेटल टू प्लस रखता है तो आई नेगेटिव से ई एन तक के सारे लोग वीक फील्ड है अगर आपका मेटल प्लस थ्री रखता है तो आई नेगेटिव से वाटर तक के सारे लोग मतलब जो बार आपने यहां लगाया था वो खिसक के कहां आ जाएगा यहां आ जाएगा और ऐसा पता क्यों हुआ क्योंकि मेटल पर क्या हुआ चार्ज बढ़ रहा है आप देखोगे मेटल पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता जाता है किसी भी को देखो अब प्लस फोर में ले लो मेटल का अगर प्लस फोर हो गया तो इन पर लिखा हुआ कोई भी लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जैसे देखो मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं यहीं से जैसे जैसे आप मेटल पर चार्ज बढ़ाओगे जैसे जैसे आप मेटल पर चार्ज बढ़ाओगे वो स्प्लिटिंग बढ़ती चली जाएगी अगर मान लीजिए मेटल टू प्लस था और उसके साथ वॉटर रखा आयरन रखा वॉटर रखा लेकिन टू प्लस रखा तो मान लो इतना गैप है तो थ्री प्लस में ये गैप होगा फोर प्लस में इतना गैप होगा तो मेटल का जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाते हो डेल नॉट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है डेल नॉट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है बोलो भाई बात ठीक है ये भेजे में डाल लेना भैया ब्रह्मास्त्र है तुम्हें कहीं हल्का फुल्का लग रहा हो कहीं तुम्हें ये हल्का फुल्का लग रहा हो ये समझ में आना जरूरी है। अब आइए यहां पर एक चीज एक फैक्ट है ना जी एक फैक्ट जो आपको दिमाग में पचाना पड़ेगा वो क्या है कि भैया कोबाल्ट अगर थ्री प्लस में जैसे हमने आप क्या कहा कि मेटल थ्री प्लस का आई नेगेटिव से वॉटर तक के सारे लोग कैसे होंगे वीक फील्ड होंगे लेकिन कोबर्ट के साथ ऐसा नहीं कोबर्ट के साथ तो भैया अगर बात किया जाए सिर्फ कोबर्ट थ्री प्लस बाकी के साथ नहीं ओनली एंड ओनली कोबर्ट थ्री प्लस के साथ आई नेगेटिव से लेकर के आई नेगेटिव से लेकर के एफ नेगेटिव तक के लोग ही वीक फील्ड लिगेंड होते हैं I नेगेटिव से F नेगेटिव तक के लोग ही वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और कोबाल्ट थ्री प्लस के लिए OH नेगेटिव से लेकर के CO तक के सारे लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो ये जो अंदर लिखे गए हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएंगे क्या ये वॉटर सॉरी ऑक्सीजन डोनर्स ऑक्सीजन डोनर्स कैसा बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन बाकी किसी भी मेटल प्लस थ्री के साथ वो वीक फील्ड की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं बोलो सुपर डुपर क्लियर है बोलो भैया सुपर डुपर क्लियर है क्या कहानियां सेम है क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड क्लियर ये स्ट्रोंग फील्ड गन की तरह ट्रीट किया जाएगा और ये वीक फील्ड गन की तरह ट्रीट किया जाएगा अब आगे आ जाइए 4D एंड 5D सीरीज क्या 4D एंड 5D सीरीज आपको वैसे मैं आपको बताऊं आपके कोर्स के हिसाब से 3D से आपका काम निपट जाता है लेकिन 4D में आ जाता है 4D को याद रखना तो पड़ता ही नहीं है देखो यहां पे कोई भी मेटल हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा कोई भी मेटल के साथ कोई भी लिगेंड हो तो ऑल लिगेंड्स आर ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आपका मेटल कहां का फोर डी और फाइव डी सीरीज का फोर डी फाइव डी सीरीज जानते हो ना स्कैंडियम के नीचे क्या होता है बताइए याद है वाई उसके नीचे क्या होता है एल ए सकीला है ना जी तो ये सारे लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करते हैं मेरी समस्या आपको ये बात समझ में आ गई होगी नहीं आई है तो एक बार और बता देता हूँ भैया जब आपको थ्री सीरीज की बात कराई जाए तो मेटल का प्लस टू आई नेगेटिव से ई एन तक थ्री प्लस की बात कराई जाए तो ये बार जो यहाँ था वो खिसक करके कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा प्लस फोर की बात करें तो वो यहाँ आ जाएगा सुपर डुपर क्लियर हो गया आप मेरी समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैंने आपको ये समझा दिया चलिए ये एक बार देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है ये आइए ये, ये आपको बताते हैं आपके सामने एक बार दोबारा मैंने प्रस्तुत किया है ताकि आप एक बार देख पाए क्या कि आपका जो ये डेल नॉट है वो कहां डिपेंड करता है वो इस सीरीज पर डिपेंड करता है ध्यान रखना वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिपेंड करता है तो जहां पे आपको ये दोनों क्या दिख रहे होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड डिगेंड की तरह ट्रीट किए जाएंगे या दिखेंगे और आपको क्या दिख रहा होगा कार्बन डोनर सबसे अच्छे हैं फिर इसके बाद नाइट्रोजन डोनर ठीक है यहां तक नाइट्रोजन डोनर खत्म हुआ नाइट्रोजन डोनर के बाद कौन आएगा भैया ऑक्सीजन डोनर्स यहां तक ऑक्सीजन डोनर्स खत्म हुए इसके बाद हाइलोजन आएंगे कौन से लोग आएंगे तो ये आपको जो दिख रहा है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और इस पर ये डिपेंड करता है भैया आपका जो डेल नॉट है जो स्प्लिटिंग है 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 वो भैया इन लिगेंड्स पर डिपेंड करता ठीक है। है जी तो देखो आपका जो डेल नॉट है वो किस पर डिपेंड करता है सीरीज पर भी डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है सीरीज पर डिपेंड करता है जैसे कि जैसे कि अगर आप थ्री में थ्री सीरीज से फोर सीरीज में जाएंगे तो भी क्या होगा डेल नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी 5D सीरीज में जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे आप 3D से 4D, 4D से 5D में जाते हो क्या होता है, है। टेबल देखो। टेबल देखो, बुद्धि खोलने के लिए है ये फालतू तो चीजें कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं बुद्धि खोलने के लिए भाई चलो चलो कृपया लाइन में लग के बुद्धि खोलें अपना क्या बोल रहा हूं देखो कोबाल कोबाल्ट तो भैया थ्री डी सीरीज का है कोबाल्ट के नीचे जो आर एच होता है ये फोर डी सीरीज का है आई आर कहाँ का फाइव डी सीरीज का याद तो होगा ही कौन रहेगा ईरान में कौन रहेगा ईरान में तो थ्री डी फोर डी फाइव डी आप क्या देखोगे आप देखोगे कि जो डेल नॉट की वैल्यू है अगर उसको हम किसमें लिखे किलो जूल पर मोल में तो यहाँ पर यहाँ पर ये यह गैप कितना है इतना है आगे देखोगे गैप और बढ़ जाएगा आगे देखोगे ये गैप और बढ़ जाए सर ये गैप कौन सा वाला है अरे यार वो स्प्रिटिंग वाला है ये जो आप स्पिटिंग करा करके ई और टी बनाते हो ना जो आप ये ई और टी बनाते हो ना इस वाले कोबाल्ट के केस में से थोड़ा सा गैप है इसके केस में ये गैप देख रहे हो जस्ट डबल के आसपास पहुंच जा रहा है डबल तो नहीं आ, वन बाई थर्ड और बढ़ जा रहा है यहां पर देख रहे हो और बढ़ जा रहा है तो मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे वैसे वैसे क्या होगा यहां पर गैप बढ़ता जाएगा बोलो इतनी बात समझ में आ गई है क्या ध्रुव कोहली जी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा एकदम गलत है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है मैंने शुरू में ही बोला था इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आज तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका कोई वे नहीं है रैंडम है ये चीज थोड़ी रैंडम है थोड़ा सा बस ये मैच कर जाता है कार्बन डोनर नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाकी आप कुछ नहीं बता सकते एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते यहाँ पे ठीक है जी ऐसा कोई तरीका नहीं है याद रखना हमेशा ओके जी अब आगे आ जाते हैं अगर हम चार्ज की बात करें अगर हम चार्ज की बात करें तो अगर मान लीजिए मेटल है, टू प्लस रखता है तो मेटल टू प्लस से हमने मेटल थ्री प्लस किया तो क्या होगा डेल नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी वो गैप बढ़ जाएगा और टू प्लस से अगर हमने फोर प्लस किया तो ये गैप और बढ़ जाएगा पीछे मैंने बताया था दोबारा बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है अगर यार सोचो मेटल पर टू प्लस चार्ज है तो कम चार्ज है तो लिगन अच्छे से इंट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ तो आईनी का इंट्रैक्शन करना है लेकिन तुमने फोर प्लस कर दिया बहुत ज़्यादा चार्ज है आपके सेंट्रल मेटल पर तो वो लिगन से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंट्रैक्ट हो रहा होगा तो भैया जी चार्ज के बढ़ने से भी क्या होगा वहाँ पे डेल नॉट की वैल्यू बढ़ेगी मुझे लगता है किसी को समस्या नहीं आनी सीरीज के बढ़ने से भी बढ़ेगी यहां से भी बढ़ेगी। अब की बात करें। तो भैया तो जो लोग इस साइड है, है वो लोग कम स्प्रिड करते हैं इतनी कहानी बस आपको आनी चाहिए अब इनको भैया घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेना ठीक है थोड़ा सा मैं आपको यहां पे हेल्प करूंगा ठीक बाकी आप करेंगे शुरू में जो ये दिए गए हैं ये और आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा यही चीज है वो वी में आपको घर पर करने के लिए दिया था और हमने बोला था कि वी ने उस समय दिया हुआ था कि ये पैरा मैग्नेटिक है कि नहीं है लेकिन यहां पे तुम्हें कुछ भी नहीं बताया गया डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट पूछे गए सवालों को अब कैसे जवाब देंगे वो वाली बात सी बताती है देखो कैसे बताएं बताएं भैया जी आइए लगाते हैं आपके लिए कुछ दिमाग पहले इस पर फोकस करो क्या बनेगा यहाँ पे यहां पे बनेगा एम एन प्लस थ्री एम एन प्लस थ्री बनेगा मतलब डी फोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैंने आपको बताया था कि जब आपको जब आपको डी फोर डी फाइव डी सिक्स मिले उस समय आपको क्या लगाना पड़ता है बुद्धि लगानी पड़ती है क्या कि वहां वाली बात करें अगर वी बी टी में तो हमें यह पता होना चाहिए कि डाया मैग्निकम की पैरामैग्नेटिक है लेकिन यहाँ पे कुछ भी पता करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी देखो भैया हमें पता चला एम एन प्लस थ्री अब हमें ये चेक करना यार एम एन प्लस थ्री के साथ जो ये सी एन है क्या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है तो मेरे भैया सी एन तो प्लस टू के साथ प्लस टू ये सी एन नेगेटिव प्लस टू होता जैसे यहाँ पे तो एम एन पे तो प्लस थ्री है मेटल पे थ्री प्लस का चार्ज है तो यार आपका ये वीक तो हो ही नहीं सकता स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है

चौथा इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा अरे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ज्यादा स्प्लिट करेगा अगर ज्यादा स्प्लिट करेगा तो मजबूरी बस आपको पेयरिंग करानी पड़ेगी तो याद रखना पेयरिंग कौन करवाता है लिगेंड करवा रहा है यहां पर क्यों करवा रहा है क्योंकि वो स्प्लिट करवा दे रहा है तोड़ दे रहा है आपके डी ब्लॉक को डी ऑर्बिटल को जाता तो ज्यादा गैप हो जाएगा तो पेयरिंग एनर्जी कम दिखेगी तो भैया वहां पर पेयरिंग जल्दी हो जाएगी तो ये है तरीका निकालने का खूबसूरत सा तरीका है यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं अब आगे आ जाइए आ जाते हैं नेक्स्ट देखिएगा यह है नेगेटिव यहां से आप निकालोगे तो मिलेगा एफी प्लस थ्री एफ थ्री निकालोगी तो मिलेगा डी फाइव तो और आपको पता है कि जो सीएन होता है वो क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डी फाइव को अगर पुट करना हो तो कहां पुट करोगे फाइव वाले को एक इलेक्ट्रॉन यहां पुट कर तो आप आप इस तरीके से देखो अगर आप ये बना ले जाते हो तब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हो तब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तब आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो अब आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी सिर्फ देखना है स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड अगर स्ट्रांग है तो पेयरिंग करवानी है वीक है तो पेयरिंग नहीं करवानी है सिर्फ ऐसा सोचना है सर कैसे पता चलेगा कि डी अरे यार यारैसा ने तो पूरे पढ़ाने का सत्यानाश करवाया आ जा भाई मेरे भाई आओ भाई एम एन अब ये भैया छाप लेना अब बहुत अच्छे छापना जब तुम्हें तो पूछ ही लिया है तो एम एन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन इसके बाद लिखा जाएगा फोर एस टू फिर लिखा जाएगा थ्री डी फाइव क्या लिखा जाएगा थ्री डी फाइव अगर एम एन पर एम एन में से तीन प्लस हट कर दोगे थ्री प्लस कर दोगे मतलब तीन इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो कहाँ से हटेगा फोर एस टू से और यहाँ से हटेगा तो यहां से टू जाएगा यहां से वन तो क्या बचा थ्री डी फोर है भैया जी कुछ अलग से गणित थोड़ी लगाना होता है यार एफ ई थ्री प्लस है तो हमें पता है कि डी सिक्स होता है टू प्लस तो थ्री प्लस होता है डी फाइव हो जाएगा ये है तरीका है ना जी यहां पर आइए यहां पर आपको दिखेगा कोबाल्ट का थ्री

यहां पे क्या हुआ डी फोर दिख रहा है डी फाइव में बस एक इलेक्ट्रॉन और डाल दू सिक्स में एक और डाल दूँ तो इस तरीके से आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं अपने घर पे बैठ करके लिख लेना तनिक जी हाँ पीपीटी बनाना पड़ता है रोज नहीं बनाता कभी कभी पहले का बनाया हुआ है तो वो काम आ जाता है कुछ कुछ चीज़ें बदल देते हैं हम है ना जैसे लगा कि पढ़ते रहते हैं लगातार तो ये समझ में आ रहा होता है कि कौन सी चीज़ लिखनी है कौन सी नहीं ना आ जाइए डेर तनीस आ जाओ इधर देखते हैं एम एन सी एन सिक्स थ्री नेगेटिव तो यहां पर देखो ये सब प्रैक्टिस करवा रहा हूं तुम्हें एम एन थ्री प्लस आएगा निकाल के चेक करो प्लस थ्री आएगा प्लस थ्री के अंदर हमें क्या पता चला ये देखो ये भी डी फोर सिस्टम है ये भी डी फोर सिस्टम लेकिन एक बात सोचो ये क्लोरीन भैया वीक फील्ड लिगेंड है अब बुद्धि खुलनी चाहिए ये कैसा है वीक फील्ड सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीक फील्ड है मन में सवाल क्या भाई? नहीं रहा है अगर सवाल तो भैया तुम कुछ नहीं समझ रहे हो क्लोरीन कैसा वीक फील्ड कैसे पता चला चार्ज हो तो आई नेगेटिव से लेकर के वाटर तक के सारे के सारे लोग वीक फील्डेंड होते हैं तो क्लोरीन उसी में आता है इसीलिए ये वीक फील्ड लिगेंड होगा अब सवाल ये है कि सर अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या अंतर कर देगा देखो यहाँ पर स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड था तो इलेक्ट्रॉन यहां आया था चौथा इलेक्ट्रॉन लेकिन कॉन्फिग्रेशन टी टू जी थ्री वन टी टू जी थ्री जी वन टी टू जी में सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन होगा चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा कौन से ये नीचे वाले में ऊपर वाले को तो मैंने यहां पर लिख करके आपको बताया हुआ है शायद आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छा जी ये आप प्रैक्टिस करेंगे अब आप ये प्रैक्टिस करेंगे वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा सब समझ में आ जाएगा। कि देखो बार एफ ई थ्री प्लस है ये जो फ्लोरीन है ये वीक लिगेंड है और यहाँ पर आयरन के न, क्या दिखेगा डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन ठीक है जी तो पेयरिंग ना करा के आपको ऊपर चले जाना है यहाँ पर भी सेम है कोबल्ट का प्लस थ्री है लेकिन साथ में एफ नेगेटिव है इस वजह से यहाँ पे क्या बोला जाएगा वीक फील्ड लिगेंड है हमारा एफ नेगेटिव वीक फील्ड लिगेंड होता है ठीक है जी तो नीचे वाला ये सब में वीक फील्ड है ऊपर वाले मैंने सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रखा था तो आई होप आपको ये बात मैंने समझा दी है ठीक है जी ये भी हो चुका है अब मुझे जो शानदार चीज सिखानी है वो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहां पे ज्यादा आपके कोर्स में पूछा नहीं जाता तो हम ज्यादा सरदर्द भी नहीं लिया करेंगे ठीक है जी क्लियर करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्पटिंग एक लाइन याद रखनी है कि यहां पर भी कुछ उसी तरीके से होती है जैसा कि आपने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था बट अंतर यह हो जाता है कि जो आप स्पटिंग देखते हो वो इनवर्ट हो जाता है उलट जाता है कहने का मतलब क्या है देखिए एनर्जी मैंने यहां लिखा है यह हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स को अगर देखो भाई यहां पे था मेटल अभी मेटल था तो उसके लिए मेटल के डी ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए मेटल के डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स डी यहां लिख दिए अभी क्या हुआ कि मेटल के किनारे किनारे मेटल के किनारे किनारे चार लिगंड ने इनको अप्रोच किया क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो चार ही लिगंड होगा भाई टेट्राहेड्रल के अंदर तो चार ही लिगंड्स होंगे ना भाई कितने होंगे सिर्फ चार लिगेंड्स होंगे तो वो चार लिगेंड्स क्या करेंगे जब इनको अप्रोच करेंगे तो भैया इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन जब मेरे भाई जब ये किससे कनेक्ट हो जाएगा लिगेंट से कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा बढ़ इस तरीके से टेट्राहेड्रली यहां पर आकर के लग रहा होगा और जब ऐसा लगेगा तो वो जो आपको बताया गया था ऑर्डर वो स्विच कर जाएगा बस यहां पर एक थोड़ा अंतर और एक आएगा वो अंतर सीखिएगा वो अंतर देखना भाई सारे के सारे लोग बट दोबारा बताऊंगा ऐसा मैं सोचना कि ऐसा छोड़ दूंगा मैं ये होगा टी टू और ये होगा ई यहां पर जी नहीं लगाते जी क्यों नहीं लगाते क्योंकि इस लिगन के पीछे कोई लिगन नहीं है इस लिगन के नीचे कोई लिगन नहीं है वहां पर ऐसा होता है एक लिगन के नीचे और ऊपर इस तरह के सिमेट्री रहती है यहां सिमेट्री ना होने की वजह से ऐसा हो रहा होता है सर वाइबा में क्या पूछा जाता है वाइबा में यही सब पूछा जाएगा कि बताइए यहां पर जब स्पिटिंग होगी तो आप बताइए क्या होगा किस बात का वाइबा पूछ रहे हो पहले ये भी तो पूछ लो यार प्रैक्टिकल का तो नहीं कह रहे तुम प्रैक्टिकल में कुछ प्रैक्टिकल का ज्ञान पूछेंगे बोलो भाई इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाएगी यहां देखना भाई ध्यान देना ये जो गैप है अब की बात डेल नॉट नहीं बल्कि डेल्टी लिखा जाएगा क्यों क्योंकि ये टेट्राहेड्रल सिस्टम टूट रहा है और ये जो एनर्जी बढ़ी हुई बात चल रही है ये सिर्फ 0.4 पॉइंट फोर डेल्टी होगा नीचे वाला माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टी होगा वही वाली कहानी है बट यहां पर डेल्टी लिखना है डेल और इसके बाद टी ठीक है जी ओके कोई दिक्कत तो नहीं है बता दूंगा उत्कर्ष छोड़ दो उसको बता चुका हूं बल्कि मैं वीडियो में जाके पहले देख लेना कभी तो ये देखो क्रिस्टल फील्ड स्पर्टिंग में और यहां पर कोई वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना होता वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में लगाना होता ध्यान से सुन लो इधर जब भी तुमसे पूछा जाए तो ये चीज़ स्विच कर देना तोड़ देना नीचे ई लिखना ऊपर टी टू लिख देना जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कि चलो डी वन सिस्टम भर के बताओ मुझे आप डी वन सिस्टम भर के बताओ अगर मान लो एम एल फोर है एम एल फोर है और उसके अंदर से निकल रहा है डी वन सिस्टम तो आप क्या करोगे ई e के अंदर भरोगे तो आप बोलोगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा उसमें ई वन आएगा और टी टू जी जीरो टी टू जी नहीं आएगा टी टू जीरो आएगा बस ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कोई अंतर नहीं है सिंपल करना है कोई ज़्यादा दर्द नहीं लेना टू है तो इस तरीके से लिख दो तो आप लिखोगे ई टू एंड टी टू जीरो तो ये यहाँ पर बन जाएगा अब आइए अगले पर अगला देखो D3 है D3 के अंदर की बात करें तो वन टू आपको नीचे पेयरिंग नहीं करानी है थ्री के अंदर याद रखो यहां कोई पेयरिंग नहीं है शुरू पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो तो वन टू थ्री यहां पर भरोगे तो D2 मैं लिख सकता हूं ना ऐसा समझ रहे हो इसलिए लिख रहा हूं मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी अभी है ना जी कल क्लास मेरी नहीं है कल अमन सर की संडे सभा लगाई हुई है आप मिलिएगा उसमें आपको कुछ अच्छी बातें बताई जाएंगी है ना चलिए d4 की अगर मैं बात करूं तो d4 में कैसे भरोगे वन टू थ्री फोर कभी भी नीचे पेयरिंग मत कराना क्योंकि इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड नहीं होता कहाँ पर टेट्राहेड्रल में ml4 की कंडीशन में कभी भी आप पेयरिंग नहीं करवाने जाएंगे पहले पहले सब में एक एक भर लेंगे अगर पेयरिंग अपने आप से नेचुरली हो रही है तो उसको होने देंगे हाँ जी नहीं लिखना है मानवी गोयल जी यहाँ पे जी नहीं लिखते जी का मत जी तब लगाते हैं जब सिमेट्रिकल हो यहाँ पे तो सिमेट्रिकल नहीं नहीं है, टेट्राइडल देखा नहीं है देखा क्या कभी? टेट्राइडल कुछ ऐसा होता ना कि मान लो दो चीजें हैं आपको एट पे होता है तो भैया एक लिगन के पीछे दूसरा लिगन नहीं आता एक लिघन के पीछे कभी दूसरा लिगेंड आएगा ही नहीं इस तरीके से होता है लेकिन ऑक्टाहेड्रल वाले में तो आएगा ना क्योंकि यहां से आप ऊपर जाके बनाते हो और फिर नीचे भी बनाते हो तो इसके नीचे आता है देखो इसके नीचे ये आता है तो इसी को सिमेट्री बोलते हैं कि ऊपर एक नीचे तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर तो ये सिमेट्रिक होते हैं ठीक है जी बस इतना जानना है जहां पे सिमेट्री है वहीं पे जी लगेगा जहां पे सिमेट्री नहीं है वहां पे नहीं लगेगा इस वजह से यहां पर ई और टी टू लिखा गया है चलिए आगे आगे बढ़ जाते हैं कलर वाले पे थोड़ी देर में आते हैं मैं आपसे ना डी फाइव पूछना चाह रहा हूँ बताइए डी फाइव नहीं डी सिक्स डी सिक्स इन एम एल फोर बताइए क्या होगा डी सिक्स इन एम एल फोर ध्यान से आज वाली क्लास पढ़ लेना ठीक है जी इसका आप चाहोगे तो आपको ऐसे रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है ठीक है अगर थोड़ी मोड़ी ग्लिच लगा मुझे तो उसको हटा के यहाँ पे मैंने दूसरी रिकॉर्डिंग कर रखी है इसी को दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं मतलब मैं दोबारा पढ़ा नहीं रहा इसी को रिकॉर्डिंग में लगा रखा है तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ऐप पे आप आराम से पढ़ पाओगे अब अगर डी सिक्स की बात करें तो डी सिक्स में कैसे टूटेगा बोलो पांच डी ऑर्बिटल होंगे वो टूटेगा तो टी टू नीचे ऊपर बनेगा ई वाला नीचे बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो यस सर बनेगा इलेक्ट्रॉन ले जाओ वन टू थ्री फोर फाइव पहले हमने सब में एक इलेक्ट्रॉन भरे छः आया तो भैया नीचे आके भर देगा याद रखना सिक्स वाले इलेक्ट्रॉन को नीचे भरोगे तो डी सिक्स अगर कोई पूछे तो लिखना ई थ्री और क्या टी टू थ्री ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी सिक्स इन केस ऑफ टेट्राहीट्रल कंडीशन मेरे को लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी टेट्राहीट्रल कैसे पता चलेगा थोड़ा सा गेस करिए बी से थोड़ा सा गेस कर लीजिएगा यहाँ से ठीक है ज्यादा कोर्स में है नहीं नहीं तो वो भी बढ़ाता कि निकल का जब डी एट चलो थोड़ा सा बताओ द, बता भी दूंगा फिलहाल इतनी की ही जरूरत है ना आपको क्या पढ़ाना है मुझे कलर पढ़ाना है कलर वाली चीज़ आपको आनी चाहिए यार कलर नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं हाई स्पिन एंड लो चलो एक चीज ये पढ़ो मुझे एक चीज और पढ़ानी है हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इस शब्द का मतलब बस बत बताना है आइए कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली हमें कलर्ड दिखते हैं और कलर्ड दिखने का रीजन क्या होता है डीडी ट्रांजिशन होता है क्या होता है डीडी ट्रांजिशन होता है मैं समझाऊंगा तो, पहले ऐसे ही बात करेंगे उसमें समझो फिर यहां पीछे समझाएंगे सुनना जैसे मान लो कोई सामने लिया आपने ले लिया कि क्रोमियम मान लिया आपने क्रोमियम वाटर सिक्स टाइम और टू प्लस ले लिया मतलब क्रोमियम 2 प्लस तो डी4 का सिस्टम हुआ ठीक है जी अब हुआ क्या जब आप क्या बात करते हो यार कि यहां पे स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल स्प्लिट होकर के क्या बनाता टी टू जी और ई जी बनाता टी टू जी और ई जी बनाता तो होता क्या है कि टी टू जी का एक इलेक्ट्रॉन उठ करके क्या करता है देखो जो आपका क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ेगी तो क्रिस्टल क्या करेगा उसमें से वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा जितने का उसके पास टी टू जी और ई जी का गैप है जितना वो गैप है उतने गैप के बराबर का वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर लेगा जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उससे जो निकलेगा रिफ्लेक्ट होके उससे बाकी बचे हुए जो कलर्स निकलेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होंगे जो एब्जॉर्ब हुआ होगा दोबारा सुन ले नहीं तो आपको तकलीफ होगी जैसे कोई चीज़ आपने पढ़ा भी होगा ये बल्कि बहुत बार पढ़ चुके होते हैं अब तक कि जो चीज जिस तरीके जिस जैसी दिख रही है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेती है तभी वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को शो कर रही होती है यह पढ़ा होगा यही कार्यक्रम मैं यहां पे बताने वाला हूं ठीक है और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि वहां जो ईजी और टी है जो टी और इजी है वो गैप के बराबर का वो वेबलेंथ खुद खा जाता है खा करके अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करता है और ट्रांजिशन करता है तो भैया उसका क्या हुआ वेबलेंथ तो खा गया बची हुई जो वेबलैंथ है वैसा वो दिख रहा होता है अब समझा दूंगा दोबारा मैं समझ में तो पहले आप बताओ ये लाइन मैंने जो बोला उसमें से कुछ कुछ समझ में आया क्या मनीष कुमार जी ने पहले डीडी लिख दिया था बट पर यहां पर आइए पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद कराऊंगा वी बी जी वाई ओ आर ऐसे होता है ना विभ ग्यौर होता है तो वी आई बी होता है जी वाई ओ आर विभ ग्यौर में हम ऐसे याद करते हैं बट हम यहाँ पर आई को घटाएंगे वी बी वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड ये आपको इस तरीके से सर्कल में लिखना है किसमें में लिखना है हुँ? इस तरीके से सर्कल में लिखते हैं पहले देख लो भैया जो वायलेट कलर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है येलो कलर ब्लू का ऑरेंज रेड का ग्रीन और ग्रीन का रेड होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं आमने सामने जो दिख रहे हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट्री उनके कलर से अब ऐसे समझो जैसे कोई चीज है ध्यान से सुनना जैसे कोई चीज है वो अगर वायलेट कलर की हमें दिख रही है मेरी आंखों में वो दिख रही है भैया कि ये वॉयलेट कलर की है तो ये जान लो कि उसने येलो कलर का लाइट खा लिया है उसने क्या किया येलो कलर का लाइट खा लिया अब इसको उल्टा बोलो वो जो कॉम्प्लेक्स है उसने क्योंकि येलो कलर का लाइट खा लिया है इस वजह से वो मुझे वायलट कलर का दिख रहा है तो ये बात समझ में आ गई शायद आपको समझ आ गई होगी सर ये चैप्टर और कितनी क्लासेस लेगा कोई क्लास नहीं लेगा अगले दस मिनट में खत्म होने वाला है बल्कि पंद्रह बीस मिनट मैक्स टू तो मैक्स बीस मिनट में हम इसको खत्म कर चुके होंगे मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है आइए तो ये हो गया वी बुगर अच्छा जी अब हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है टाइटेनियम टाइटेनियम एच टू सिक्स थ्री प्लस यहां पर थोड़ा सा खेल हो गया है वो खेल ये है कि न्... 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 थोड़ा सा खेल ये हो गया था तो सिक्स अंदर चला आया जबकि सिक्स कहाँ रहना चाहिए था बाहर रहना चाहिए था ये लीजिए कोई बात नहीं टाइपिंग मिस्टेक्स तो होती है कार्तिक शर्मा जी धन्यवाद पढ़िएगा टी आई एच टू ओ सिक्स थ्री प्लस टी आई एच टू ओ सिक्स थ्री प्लस तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो आपको टाइटेनियम थ्री प्लस मिलेगा टाइटेनियम थ्री प्लस का मतलब होता है डी वन सिस्टम कैसे पता चलता है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है तो आप निकालोगे तो आपको डी वन सिस्टम नजर आएगा अब यार अगर डी वन सिस्टम है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा टी टू जी बनाएगा और ई जी बनाएगा क्या बनाएगा टी टू जी बनाएगा और ई जी बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन भैया जी यहाँ पे बस एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था अब हुआ क्या पता है इसके ऊपर लाइट पड़ी इसके ऊपर विजिबल रेंज की लाइट पड़ी जब लाइट पड़ी तो हुआ क्या हुआ कुछ ऐसा कि ये जो इलेक्ट्रॉन था उसने जो आ रही वेवलेंथ थी लाइट की उसको खा करके ट्रांजिशन कर लिया ऊपर चला गया उसने क्या किया फोटोन को खाया एनर्जी को बढ़ा करके वो ई लेवल पर चला गया तो वो कहाँ चला गया भैया ई लेवल पर चला गया तो अगर कोई तुमसे पूछे कलर शो करने का रीजन क्या था तो बोलना टी टू जी का इलेक्ट्रॉन स्विच करके अब मतलब ट्रांजिशन करके कहाँ चला गया ई जी में चला गया और कभी कभी ये पूछा जाता है कि बिफोर ट्रांजिशन कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और बाद में कैसा है पहले आप लिखोगे तो लिखोगे टी टू जी वन और ई जी जीरो लेकिन बाद का जब लिखोगे तो लिखोगे टी टू जी जीरो और ई जी में एक इलेक्ट्रॉन मतलब ई जी वन सुपर डुपर क्लियर है और देखो क्या हुआ ये जो चीज़ है उसने करा क्या वेवलेंथ खाया जब वो वेवलेंथ खाएगा मान लो अब होता क्या पता है ये जो है येलो कलर का वेवलेंथ खा लेता है ये येलो कलर का वेवलेंथ खा जाता है अगर वो येलो खा जाएगा तो कैसा दिखेगा वायलेट कलर का दिखेगा और मैं आपको बता देता हूं ये जो है एक्चुअली वायलेट कलर का होता है ये कैसा होता है वायलेट कलर का तो मुझे कैसे पता चला मैंने इधर देखा अच्छा ये वायलट कलर का होता है इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर खाया होगा तो उसने येलो कलर खा लिया होगा ये था यार बोलो भाई बोलो भाई बात ठीक ठाक है क्या बोलो भाई बात ठीक ठाक है क्या यस अब ये चीज आप पढ़ना घर पे अच्छा एक बात बताओ मैं आपसे एक सवाल पूछूं बताओ ये T2G को क्या मैं डी ऑर्बिटल कह सकता हूं अरे सर क्या बात कर रहे हो? डी ऑर्बिटल के ग्रुप को मिलाकर के तो परिवार बना है तो निश्चित रूप से ये भी डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल यहां पर भी तो यार एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है इस वजह से बोला जाएगा कि यहां पर डी डी ट्रांजिशन हो रहा है क्या हो रहा है डीडी ट्रांजिशन हो रहा है ध्यान रखिएगा ये सारी बातें मैं कहां करूंगा डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाते वक्त करूंगा तो ध्यान रखें ठीक है जी डी ट्रांजिशन होने की वजह से ये कलर आ रहा होता है तानिया जी कह रहे हैं दोबारा बता दीजिए चलिए बता देता हूं अगर आपको कोई कहे कि कोई चीज ऑरेंज कलर की दिख रही है तो आप इस सर्कल को देख करके ये कंफर्म कह सकते हैं कि अगर वो ऑरेंज दिख रहा है तो निश्चित रूप से उसने ब्लू कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा तो ये जो एब्जॉर्बन ऑफ वेवलेंथ है वो उसने ब्लू किया होगा तभी वो ऑरेंज कलर का दिख रहा है और यहाँ की कंडीशन में ये वायलट कलर का अगर दिख रहा है ये वायलट कलर का अगर दिख रहा है तो निश्चित रूप से इसने येलो कलर की लाइट को खा लिया होगा अब एक नालायक रहा है फिर से येलो कैसे पता चला हे भगवान अबे भाई मुझे पता था कि वे वायलेट कलर का आपको बताया जाएगा कि भाई साहब वायलेट कलर के हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अगर इन ये वायलेट कलर के हमें नजर आते हैं तो इन्होंने कौन सी वेबलैंथ खाई होगी तुम जाना इस कलर व्हील के पास कलर व्हील से पूछना भाई कैसा है ये कह रहे हैं कि वायलेट दिख रहे हो तो इसका मतलब येलो खाया है अगर क्वेश्चन कहे कि ग्रीन कलर का उसने वेबलैंथ खाई है कैसा दिखेगा रेड कलर का दिख रहा होगा ये है बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये तो कहानियां चलिए बताइए ये क्वेश्चन कर लेते हैं बुद्धि खुलेगी ये बहुत जबरदस्त शानदार चीज बताने जा रहा हूं और यही यही कॉन्सेप्ट बताना बस बाकी रह गया है ठीक है जी आइए चलिए बताइए यह सब आएगा देखो मान लो ए मैंने कहा कि इनमें से कोई ए है इनमें से कोई बी है और ए के बारे में बताया गया कि यहाँ पर कोबल्ट पे थ्री प्लस का चार्ज आएगा निकाल के चेक करो पे थ्री प्लस यहाँ पर क्या आएगा पे टू प्लस कोबाल्ट पे टू प्लस का चार्ज आएगा और यहाँ पर कोबाल्ट पे थ्री प्लस का चार्ज आएगा देखो दोनों में हमने लिगंड सेम रखा अगर लिगंड सेम रखा है तो गैप का अंदाजा कहाँ से लगाते हैं मेटल के चार से जो मेटल ज्यादा चार्ज्ड होगा वो लिगंड के साथ उतना ही अच्छे से इंट्रैक्ट करेगा अगर अच्छे से इंटरेक्ट करेगा तो भैया ये वाला जो गैप है वो ज्यादा ओपन होगा मतलब ये जो खुला हुआ है ये ए से रिलेटेड होगा निश्चित रूप से ये ए का होगा तभी ये ज्यादा ओपन है और ये कम ओपन है तो निश्चित रूप से ये बी से रिलेटेड होगा तो यहां पर जो डेल नॉट बी आएगा वो वैल्यू कम आएगी लेकिन यहां पर डेल नॉट ए की वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा आएगी कैसे गेस किया मैंने हमने देखा यार कि लेखन तो सेम है अंतर किस में अंतर मेटल में है अगर अंतर मेटल में है तो मेरे भैया निश्चित रूप से वो वहाँ पर ज़्यादा आएगा जहां पर मेटल पे ज़्यादा चार्ज हो रहा होगा मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी तो डेल ए और डेल बी में कोई पूछे तो बताना कि भैया अगर ए ये है तो वहां पर रिलेशन ये आ रहा होगा अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ अनपेयड इलेक्ट्रॉन्स इन ए एंड बी चलिए बताइए चलिए बताइए नंबर ऑफ अनपेयड इलेक्ट्रॉन इन ए एंड बी कहाँ पे ज़्यादा होगा ये है कोबाल्ट का तो थ्री प्लस मतलब डी सिक्स सिस्टम है ये प्रैक्टिस से सीख जाओगे करते रहोगे लगातार प्रैक्टिस करो ठीक है डी सिक्स सिस्टम है और ये डी सेवन सिस्टम है प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे नोट्स से करेंगे नोट्स आपको दिया गया है उसको अच्छे से पढ़िए उसी से सवाल को सॉल्व कर लीजिए ठीक है ये डी सेवन सिस्टम है अच्छा डी ये ए वाला है तो यहां पे सिक्स कैसे भरोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देखो यार कोबल थ्री प्लस के साथ अमोनिया कैसा बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा कैसा बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा लेकिन यहां पर कोबल टू प्लस के साथ अमोनिया कैसा बिहेव करता है वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है ठीक है ना जी वीक फील्ड लिगेंड की तरह यहां पर बिहेव करता है सुबह क्लियर हो अब देखो यहां पर आपने छह इलेक्ट्रॉन भर दिए छह में तो आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज जीरो ए के केस में तो जीरो है ए के केस में जीरो है तो यहां पर अगर बी में कुछ भी आएगा डी सेवन है तो एक दो तीन चार पाँच छ सात तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर जीरो तो भाई ज्यादा कहां पर है बी के केस में बोलो भाई किसी को कोई दिक्कत है सार्थक जी सवाल एक बार दोबारा पूछ ले मैं आपको देख रहा हूं क्या आप पूछना चाह रहे हो ठीक है जी सुपर डुपर क्लियर है मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है किसी को यहां पे कोई समस्या कोई परेशानी कोई दर्द हो तो जरूर बताइएगा आपको कलर आना चाहिए ये गैप समझ में आना चाहिए यही सब होता है अब मान लो सवाल मैं आपसे यहां पर पूछता हूँ वैसे मैंने बता दिया है दोबारा बता देता हूँ अगर ये लिखा है कि कोबल्ट यही लेता हूँ कोबल्ट एन एस थ्री थ्री प्लस मैं अगला ले लेता हूं सी ओ सी ओ सिक्स थ्री प्लस ये कार्बोनिल है ये कार्बोनिल है सी ओ कैपिट मतलब दोनों सी ओ लिखा हुआ है अब आप बताइए ज्यादा डेल नॉट कहाँ पे आएगा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए ये X है और ये Y है तो आपको बताना है कि डेल नॉट की वैल्यू कहाँ पर ज्यादा आएगी X और Y में ज्यादा बड़ा कौन आएगा बताइए किसके डेल नॉट की वैल्यू ज़्यादा आएगी कृपया बताएं बोलो भाई ओके यहां पे देखना एन एनएस थ्री सिक्स थ्री प्लस तो हमने क्या बताया हुआ कि देखो यार मेटल भी सेम है चार्ज भी सेम है अंतर कहां है लिगेंड में बस आपको ना अंतर ढूंढना ये देखो ये लिगेंड और ये सीओ और मेरे को पता है कि कार्बन डोनर्स तो अच्छे खासे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसका मतलब वो ज्यादा स्प्लिट करेंगे अगर ज्यादा स्प्लिट करेंगे तो वाई की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी बोलो भाई सुपर डुपर क्लियर है क्या सुपर डुपर क्लियर है क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई है बताइए आगे अब बाकी आपसे बातचीत कर लिया जाए यहां तक का ही सफर् यहां तक की कहानी थी समझ में आ जाना जरूरी है ठीक है भाई यहां तक बस आपको समझ में आ जाए बहुत जरूरी था बताइए भाई क्या हाल चाल आगे क्या और कुछ करना है आगे आपका कोई सवाल हो तो पूछिए चलो एक सवाल यहीं पे पूछ लेता हूं तब अभी टाइम नहीं हुआ है तब तक तो कुछ करें एक मिनट यार कहाँ चला गया ये एक सवाल पूछना था ये जवाब आप दे पाए तो बहुत अच्छी बात होगी ये बताइए लैमडा एड एब्जॉर्ब एंड ऑब्ज़र्व्ड बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये खतरनाक खतरनाक देखना सिंपल बातें बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा ये ज्यादा दर्द देगा नहीं तो अब आपसे मैं अगर पूछूं कि बताइए कि ज्यादा अच्छे तरीके से कौन सा वेबलैंथ ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ए की बी ये वाला फिलहाल छोड़ते हैं सिर्फ ये बता दो एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है कि वो वेबलेंथ ज्यादा कौन सा लेगा ये गैप कम है अगर एनर्जी का गैप कम है ये गैप कम है ये गैप ज्यादा अगर ये एनर्जी का गैप कम है इसका मतलब क्या हुआ कि वेब लेंथ वहां पर ज़्यादा है सर ये कैसे पता चलता है ई e बराबर एच सी बाई लेडा और ई e क्या है इम्प्रपोशनल रिलेशन में है और अगर इम्प्रपोशनल रिलेशन में है तो भैया ये आएगा कि एनर्जी अगर कम है तो वहां पर लेमडा की वैल्यू क्या आएगी ज्यादा आएगी सुपर डुपर क्लियर हो क्या बोलो भाई है ना और यहां पे देखो एनर्जी क्या है गैप ज्यादा है तो यहां पर लैमडा की वैल्यू कम आएगी ये कौन सा लैमडा है ये वो लैमडा जो इसमें एब्जॉर्ब होगा आके रुकेगा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ट्रांजिशन करवाएगा तो वेबलेंथ ज्यादा कहां पे नजर आ रही है बी में बी में ज्यादा नजर आ रही है मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में तब तक, तक के लिए खुश रहिए प्रसन्न रहिए आनंद में रहिए अभी फिजिक्स और मैथ पढ़िए आगे हमारी मुलाकात डी एंड एफ ब्लॉक में होगी डी एंड एफ ब्लॉक थोड़ा सा क्वाइट बोरिंग माना जाता है बट मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा जैसा कि मैंने पी ब्लॉक में पढ़ाया हुआ है ठीक है जी, बाय बाय, टेक टेक केयर, केयर, वेरी वेरी गुड लक्ष्मी ने सही पूछा है लक्ष्मी ने एक सवाल पूछा है नहीं नहीं बता देता हूं बहुत अच्छा किया तुमने यह सवाल पूछा शुक्रिया एक चीज होती है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दूसरा होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स उसको कहा जाता है जहां पे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं बस मुझे यही बताना है दोबारा सुने ध्यान से सुने इस लाइन को दोबारा सुने ध्यान से सुने इस लाइन को स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड का क्या मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है जो पेयरिंग करवा दे वही तो स्ट्रॉन्ग वही है जो पेयरिंग करवा दे जो गैप को ज़्यादा कर दे तो उसको क्या बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्पिन क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे अगर आप पेयरिंग ज़्यादा करवाओगे तो पेयरिंग ज़्यादा होने से लो स्पिन मिलेगा लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो हाई स्पिन मिलेगा हाई स्पिन मिलेगा क्यों क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलने के चांस हैं बस यही है सिस्टम यही है बातचीत ठीक है जी ओके ओके भाई बाय बाय टेक केयर